नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। आप जैसे कि हमने पिछले मंगलवार से ये हरियाली और खुशहाली का एपिसोड शुरू किया है, जिसमें हमने बागवानी से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और पशुपालन जैसे ऐसे कुछ एपिसोड हमने इस मंगलवार को शुरू किया है। इसमें हम उन जो अनुभवी जो बागवान होते हैं, जो उद्यान होते हैं, उन लोगों को लेकर आते हैं, खासकर या फिर कोई प्रोफेसर आदि। तो हमारे साथ आज इस मंच में जुड़े हमारे गांव से, चगांव से हमारे बागवान आदरणीय श्री रतन महेश जी, जिन्हें लोग डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। मैंने उनको काफी देखा कि वो बहुत व्यस्त रहते हैं और साथ में उनको इतने फोन आते कि काफी लोग सलाह भी लेते रहते हैं। तो आज उनकी जो है सलाह जो है इस पेज के द्वारा लोग जाने कि क्या क्या बागवानी में दिक्कत लोगों को आती है, क्या क्या परेशानियां उठाना पड़ सकता है। तो हमारे महेश जी हमारे को बताएंगे और साथ में इस पेज को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो कृपया इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया करें। अगर आपके बागवानी से संबंधित कोई भी सवाल हो, हमारे अतिथि से पूछ सकते हैं। और साथ में हमारे मंच में साझा कर रहे हैं हमारे जो रिब्बा से हमारे मैडम जी, आदरणीय सुश्री रंजना मैडम जी, जो खुद एक बागवानी है और कृषक भी है। तो ये हमारे साथ आदरणीय अतिथि से कुछ सवाल पूछेंगे और जितने भी दर्शक हमारे एमसीएन पेज से जुड़े हैं, वो पेन और कॉपी या अपने दिमाग को फ्रेश करके रख सकते हैं, क्योंकि अब जो है बागवानी का समय आ चुका है और सेब का समय आ चुका है, क्योंकि कई जगह पर लोहाइट में जो कलियां फूलने लगी है। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या क्या केयर करना है, किस प्रकार का देखभाल करना है, किन किन बातों को हमें सावधानी रखना है, इस पेज के द्वारा अतिथि के मौद द्वारा हम जानेंगे। तो हम मंच में बुलाते हैं नमस्कार सर, डॉक्टर साहब, हमारे किन्नौर के, चगांव के माने जाने विशेषज्ञ, नमस्कार आपका आप मंच में स्वागत है। नमस्कार सर, आप एमसीएन पेज पे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत व्यस्त समय निकाल व्यस्त समय के बाद आज आपने समय निकाला है। मौसम की भी मेहरबान रही है कि आपको थोड़ा हाँ रेस्ट जी और हाँ राहत जी मिला है। हाँ जी हाँ जी जी चलिए, सवालों का जवाब हम पूछते रहेंगे। हमारे साथ अतिथि महोदय भी है जो आपसे सलाह और आपसे परिचर्चा करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैडम जी नमस्कार। मैडम जी, आपने नमस्कार इतना व्यस्त एमसीएन होकर भी फिर से। भी समय निकाला। जी ये तो मेरा सौभाग्य है क्योंकि मुझे भी आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और आप जी अलग अलग बागवान भाइयों के अनुभव को साझा कर रहे हैं, तो इससे मेरा भी जरूर लाभ होगा। तो एमसीएन के सभी दर्शकों को मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। जी हमारे जितने भी यहाँ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितनी आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया है, क्योंकि आदरणीय महेश जी को बहुत कॉल आती है, बहुत सारे फोन आते हैं, मैंने सामने ही देखा है। तो आज जो है जो भी आपने पूछना है, तो इस कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और लेकिन हमने भी कुछ सवाल रखे और मैडम जी ने भी सवाल रखे, हम भी पूछते रहेंगे। तो सर, तो आपका एजुकेशन जो है प्लस टू तक है, लेकिन आगे आपने पढ़ने की शायद क्या ये मैं नहीं जान जानना चाहेंगे कि आगे पढ़ाई क्यों नहीं की और किस प्रकार आपको बागवानी में आना पड़ा और बागवानी में आप एक सफल मोड़ पर आ रहे हो, क्योंकि बहुत चर्चा आपकी होती है। तो शुरुआती दौर सर, अपना एक जो शिक्षा का टाइम था, उस समय से आप थोड़ा सा पहला परिचय कराए, फिर उसके बाद हम परिचर्चा करेंगे। सर, मेरा जो स्कूलिंग है वो प्लस टू यहाँ से हुआ है, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी निचार से हुई है। तो सर उसके जी बाद मैं फिर बीच में आईटीआई किया मैंने। तो आईटीआई के बाद मैं फिर ये थोड़ा टेक्निकल साइड चला गया था आपका, जैसा ये जो मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह, टीवी वगैरह जो रिपेयरिंग होता है। तो काफ़ी टाइम जी तक मैं इसमें बिजी रहा, मैं रिकॉन्गपियो में शॉप थी मेरी, तो मैं वहाँ पे बिजी रहा। तो मुझे जो है 2014 के बाद जो बागवानी का जो मौका मिला मुझे, वो 2014 से मिला है सर। तो जी 2014 में जब फर्स्ट टाइम एप्पल ऑर्चर्डिंग में मैं जब फर्स्ट टाइम आया, तो मुझे काफी दिक्कतें हुई उस टाइम। इतना नॉलेज भी मुझे तो था नहीं, जो पहले से ऑलरेडी फार्मिंग करते थे एप्पल का, तो उनको भी इतनी नॉलेज थी नहीं। तो मैं जी बिल्कुल एक असमंजस में फंस गया, क्योंकि मैं
एक तो मैं शॉप छोड़ करके घर आ गया था, और दूसरी बात ये था कि मुझे नॉलेज ना होने की वजह से मुझे बहुत परेशानियां हो रही थी। तो ये जी 2014 की बात है सर। तो मैं थोड़ा ये जो अपना नेट है वेबसाइट में ज्यादा बिजी रहा, तो मैंने वहां से ही सर्च करता रहा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जो एप्पल ऑर्चिडिंग से रिलेटिव कुछ मुझे नॉलेज मिल जाए। तो मैं जी इस तरफ करते करते क्या है कि मुझे कुछ, पहले तो मैं जो आपके फॉरेन के कंट्रीज है उनके जो फॉरेन कंट्रीज है मैं उनके कांटेक्ट में आया था, जैसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी करके यूनिवर्सिटी यूएसए में, वहाँ पे अपने ट्रेंसिस रॉबिन्सन है, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड रहे हैं। तो एक जी अल्बर्ट नाम के है, यहाँ अपने इटली से, वो अपना ये जो फैनो नर्सरी करके, फैनो नाम का नर्सरी है वो इटली में, आपका ये जो छोटा सा टाउन आता है ये अपना साउथ टेरोल के नाम से आता है, और वहाँ पे वेरोना नाम का एक सिटी है, तो वहां से रिलेटेड रखते थे अपने अल्बर्ट। तो उनसे तो मैं स्टार्टिंग में मैं फॉरन से मैं इनसे कनेक्टेड हुआ, लेकिन उनका जो पैटर्न था फार्मिंग का वो बिल्कुल टोटली बिल्कुल डिफरेंट था यहाँ। तो हम तो बहुत मतलब उनसे ये था, यह है कि तकरीबन वन सेंचुरी जो एक शताब्दी पीछे है हम इनसे। तो वो जो उनका जी जो सलाह मशवरा रहता था वो मेरे लिए थोड़ा पिकअप करना टफ रहता था, वो मुझे थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि यहाँ का उनका जो फार्मिंग पैटर्न पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था। वो एकदम टॉप क्लास, जो एकदम हाई डेंसिटी या जो भी बोलो, मतलब काफी मतलब आगे थे वो। और हमारे यहाँ पे हमारा जो ट्रेडिशनल था, हम ट्रेडिशनल में भी इतने अच्छे से बागवानी नहीं कर पा रहे थे। तो मैं फिर उसके बाद फिर मैं फिर यही रिसर्च करते करते कुछ मुझे यहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है अपने संजीव चौहान जी, रामलाल चौहान जी, तो इनके कांटेक्ट में आया। तो सर इनके जैसे ही मैं कांटेक्ट में आया तो मुझे काफी हेल्प मिला इनसे। तो फिर मैं इनसे भी नॉलेज लेता रहा, और जो फॉरेन कंट्रीज के है अपने अल्बर्ट जी है या फिर ट्रेंसिस रॉबिन्सन है, तो मैं उनसे भी टच में रहता था। तो वहां से जो न्यू वराइटीज है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है टेक्नोलॉजीज वो वहां से मुझे मिलती थी। और ये जो कोरखाई या रोडूबेल के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है तो ये मुझे काफी सपोर्ट करते थे। तो इस तरह करते करते मैं जो है फिर मैंने मन बना लिया कि मैं भी जो हूँ मतलब कुछ आधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है मैं इसको एडॉप्ट करके कुछ नए तरीके से मैं बागवानी करूंगा। तो सर ऐसा है। तो फिर उसके बाद मैं जो है स्टार्टिंग मैंने कुछ रूस्टॉक लगाई, इसमें M9 और आपका MM111, तो ये चीज लगाया। और फिर मैं एक्चुअली मैं जो 2015-16 का जो टाइम था तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा विजिट करता था जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है अपने कोटखाई बेल्ट में हो या फिर आपका इधर रोडू बेल्ट में, तो मैं वहाँ विजिट करता था। तो वहाँ पे उन दौरान जो 2014-15 के टाइम में जो था आपका ये जो टॉप ग्राफ्टिंग वाला जो था रिजर्वेशन प्रोग्राम, ये बिल्कुल पीक पे था। वहाँ पे मैक्सिमम जो ग्रोवर्स है वो शिफ्ट हो रहे थे न्यू ब्राइटिस पे, जो आपका हाई कलर से ट्रेंड रहते हैं ना, हाई जी कलर से टैन, जो आज की डेट में जर्मन वगैरह रेड ब्लॉक्स जो भी आज के टाइम में जो ट्रेंड कर रहा है हिमाचल में, तो ये उस टाइम स्टार्टिंग पे थे। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने कुछ बाहर का टेक्निक को ले लिया, मैंने जैसा हाई डेंसिटी का जो है बाहर का ले लिया, फिर कुछ इधर टॉप ग्राफ भी करना शुरू कर दिया। तो टॉप ग्राफ का जो रिजल्ट रहा वो मुझे काफी इम्प्रेस कर गया। तो लास्ट ईयर जो मेरा प्रोडक्शन रहा जेरोमाइन का वो काफी अच्छा रहा, और यहाँ लोकल मुझे मार्केट जाने की भी इसमें नौबत नहीं आई। मैं पैकिंग हाउस ले गया, पैकिंग के लिए नीचे पैकिंग हाउस ले गया था टापरी में, ये जो न्यू ब्राइटिस है। तो सर वहाँ पे जो पैकिंग जब हो रहा था तो वहाँ पे कुछ आए थे, वहाँ पे जो बिजनेस जो एप्पल बिजनेस का काम करते हैं आपके, वो शायद आरती ही होंगे मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे मेरा जो 2 लेयर का बॉक्स था वो लगभग उसका वेट रहा 10.5 से 11 kg के बीच में, 2 लेयर था, तो वो मेरा जो था 1400 रुपया गिफ्ट गया। तो उसके बाद अगर 1400 रुपया गिफ्ट गया तो मैं क्या इसको अगर आप बॉक्स फुल बॉक्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग मेरे ख्याल से ये 3500 रुपया बॉक्सा पड़ता है। तो यहाँ से मुझे काफी होप मिला, और थोड़ा मैं
मुझे जो है काफी होप मिला, उम्मीद है आई कि नहीं मुझे अब जो है फुल टाइम, मुझे फुल टाइम इस पे ही करना है, जो बागवानी करना है मुझे इस पे फुल टाइम करना है। तो अब मैं काफी, इस बार लगभग मैंने 700 से 800 प्लांटेशन कर रखा हूँ, तो नेक्स्ट ईयर तक मेरा 3000 प्लांटेशन कवर करने का टारगेट रखा है मैंने। तो इसके लिए कुछ लेटेस्ट वराइटियाँ हैं, लेटेस्ट रूट स्टॉक है जो जेनेवा है, वो मैं डिमांड कर रखा हूँ फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन के जो नर्सरीज होते हैं वहाँ से। तो ये तो बाद में देख लेंगे, जब जैसे ही आएगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा, जो रूट स्टॉक जो मेरे इम्पोर्ट होने जो आने हैं। तो सर तो इसी तरह मेरा चलता रहा सर। अच्छा सर, ये चीज़ बताएंगे, जब आप पहले जुड़े तो आपने किस हाइट से, लेवल से शुरू किया, उसकी हाइट क्या रही होगी जो आपने नई जो क्वालिटियाँ जो लगाई है, मैक्सिमम जो भी आपने वैरायटी लगाई है, किस हाइट से आपने शुरू किया? सर मैंने, मेरे पास जो एप्पल ऑर्चर्ड जो एलिवेशन है कल्टीवेशन साइट, वो दो जगह पे है, एक 8000 के फीट पे है, दूसरा मेरा लगभग 9000 8800 फीट पे है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा नॉलेज था नहीं, तो मेरे से भी क्या है कि वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, जो जी लोअर एलिवेशन का होता है आपका लाइक डैट की ये जो रेड ब्लॉक्स है, तो ये तो अब मुझे नॉलेज में आ रहा है कि ये एक्चुअली ये है आपका 5500 से 4500 से ये 6000 के बीच के हाइट में ये स्टेबल है। तो मैंने इसको 8800 फीट पे मैंने इसको जो है टॉप ग्राफ किया, और जो 8000 की हाइट पे है वहां मैंने कुछ रूटस्टॉक M9 लगाया, कुछ टॉप ग्राफ किया। जो 8000 पे मेरा जो रिजल्ट रहा है वहां पे मेरे ब्राइटेस्ट में मेंशन करूंगा जेरोमाइन है, आठ जी हजार पे जेरोमाइन, और ये जो अपना फेंगल गाला, रेडलम गाला, और कुछ स्कारलेट वासनी, अर्ली रेड वन, तो कुछ एक मैंने लास्ट ईयर को ये अपना सॉरी मेमामी स्टार करके आया हुआ एक लेटेस्ट वैरायटी है, ये भी मैंने टॉप ग्राफ कर रखा है। तो 8000 पे नो डाउट कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जितने भी, लेकिन जो मेरा जो 8800 पे जो रेड ब्लॉक्स रहा वो आज से 3 साल पहले इसका सैंपल आ गया था सर, ये मेरे ख्याल से 18 में, हाँ जी 2018 में इसका सैंपल आया था। तो इसमें बाकी बिल्कुल सही रहा, ये बिल्कुल ओके था, थोड़ा इसमें क्या है कि साइज में यह दिक्कत कर गया, तो फिर मैंने फिर जी उसको दोबारा रीग्राफ करके अब मैंने उसमें हैपके लगा रखा हूँ, तो इस बार शायद कुछ सैंपल आ जाएंगे वहाँ पे हैपके और चैलेंजर, ये दो वराइटीज ही रखा है वहाँ पे। तो जो मेरा जो 8000 वाला एलिवेशन है इस पे मैं बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिसेस मेरा इस पे ज्यादा फोकस मैं इस पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा एलिवेशन है जो ना तो ज्यादा हाइट है और ना ही लोअर है, ये एक मिडल बेल्ट में आता है। तो यहाँ पे जो ब्राइटिस में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ये आपका लोअर जो लोअर एलिवेशन वाली ब्राइटिस है उसका भी वहाँ पे परफॉर्म पता लग जाएगा कि ये कैसा परफॉर्म करता है, और हाई एलिवेशन वाली जो ब्राइटिस है जैसे आपका हैपका हो गया, अर्ली रेड वन हो गया, या मेमा मास्टर हो गया, तो ये ब्राइटिस भी वहां मैं इनका जो है मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, तो देखते हैं इनका कैसा रिजल्ट रहता है। बाकी जो सैंपल आए हैं तकरीबन 8 से 10 ब्राइटिस का जो लास्ट ईयर सैंपल आया तो वो काफी अच्छा रहा है। जी महेश जी, जब भी कोई बागवान चाहता है कि जो मेहनत करने के बाद जो है अपना फल जो है समय पर निकले, कहने मतलब सबसे जल्दी निकले, तो जिस हाइट पर आपने लगाया था उसका अनुमान बताएंगे कि किस टाइम पर वो आपको फल दे रहा है, लास्ट पीरियड में क्या उसका अंतिम जुलाई के बाद कौन सा महीने में आप इसको तुड़वान कर रहे हो? और 8000 की हाइट पे जो मैंने जैसा आपका ये जो हाई कलर से ट्रेंड आता है जो जेरोमाइन है आपका स्कारलेट इवासनी वगैरह, ये है कि आप 18 20 22 अगस्त के बीच में ये आप तोड़ सकते हैं, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड आपका ये रखो 15 अगस्त के बाद हार्वेस्टिंग पीरियड इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो ये 20 22 अगस्त के आसपास इसके लिए बढ़िया टाइम रहता है हार्वेस्टिंग के लिए। तो लास्ट ईयर मैंने 18 अगस्त को ही हार्वेस्टिंग किया था, ये जो जेरोमाइन स्कारलेट इवासनी वगैरह जो है वो 18 अगस्त को हार्वेस्ट किया था, और जो पैकिंग हुआ है मेरा वो 20 अगस्त के आसपास हुआ है। तो जी आपका आपका ये जो 8000 वाला जो बेल्ट है यहाँ पे आपका हाई कलर से ट्रेंड जो है आपका ये है आपका 18 20 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो आपका लोअर एलिवेशन है जैसा आपका 6500 या फिर 7000 या 7500, ये 75 भी लगभग 8000 के साथ ही चलेगा, लेकिन 6500 वाला जो एलिवेशन है 4500 से जो आपका 7000,
ये एलिवेशन पे आपका ये जुलाई एंड से लेकर के आपका 5-6 अगस्त के बीच में हार्वेस्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की दौर में जो आज के टाइम में सॉरी आज के टाइम में जो है बहुत सारे वराइटीज आ चुके हैं, तो हमारे जो बागवान भाई है वो बहुत कंफ्यूज है कि क्या लगाए क्या ना लगाए। तो मेरा यही सुजेशन है, जो आपका वराइटी अगर आप लोअर एलिवेशन पे फार्मिंग कर रहे हो 6500 या 6000 या फिर 7000 के बीच में, तो आपको ये देखना है आपका जो एलिवेशन है वहां पे कितना टाइम आपका धूप पड़ता है, कैसा टेम्परेचर रहता है, और वो कैसा एरिया है आपका, वार्म जो वार्म क्लाइमेट है, या फिर आप स्नोबॉन्ड कुछ एरिया ऐसा भी है जो आप मेजर करेंगे, मेजर आप जब उसका एलिवेशन मेजर करेंगे तो वो आपको 65 या 7 हजार बताता है, लेकिन आपके अराउंडिंग में जो होता है स्नोबाउंड एरिया होता है, जैसा आपका लाइक डैट की आपका ये जो कल्पा के सामने वाला एरिया है कैलाश, तो इसमें क्या है कि आपका 12 महीना जो है इसमें बर्फ रहता है। तो ऐसे एरियाज में क्या है आपको लोअर एलिवेशन पे आप जो हाई कलर स्टेन है, आप चाहे जारोमाइन है या चाहे आप रेड ब्लॉक्स, जी, रेड ब्लॉक्स है, जितने भी हाई कलर स्टेन है ये आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपका हेलो जी, बोलिए सर। सर जैसा आपका ये जो वर्म जो क्लाइमेट वाले एरिया से, जैसे आपका रूपी वाला एरिया हो गया, रूपी का गांव से नीचे जो लोअर है, या छोटा कम्बा बड़ा कम्बा, ये अभी एप्पल फार्मिंग में ये बहुत पीछे है, अभी जस्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे ही है ये लोग, तो इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, ये अभी ध्यान से थोड़ा स्टडी करके अगर ये काम करते हैं तो इनका जो फ्यूचर है एप्पल फार्मिंग का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो एरिया है बिल्कुल वार्म गर्म एरिया है, जो आपका हाई कलर स्टेन है इनके लिए बहुत अच्छा है। तो जो वार्म जहाँ ये स्नोबॉन्ड एरिया नहीं है, जो गर्म एरिया जो आपका आ रहा है हमारा जो चगांव वाला एरिया है, ये भी आपका 7000 से नीचे ये भी बहुत गर्म एरिया है, आपका जनकपुरी एरिया हो गया, नीचे रिशल वाला हो गया, या गाँव का ये जो एरिया है ये भी बहुत गर्म है। हमारे को ये जो एरियाज है हमारे को ज्यादा वराइटीज पे नहीं जाना है, हमें केवल केवल और केवल सिर्फ गालास पे फोकस करना है। गालास का क्या रहता है कि आपका ये जो कोई भी गाला ले लो, करंट टाइम में अगर आप देखें ये जो फ्यूचर में, तो इसमें आपका मेमा गाला और ये जो डार्क ब्राउन गाला ये बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, और गालास का जो मार्केट है वो काफी अच्छा है ये, और अभी अच्छा चल रहा है और आगे इसका बहुत और बहुत अच्छा चलना है आगे आने वाले टाइम में। तो आप इनसे मेरा बागवानों से यही सुजेस्ट है कि आप जो लोअर एलिवेशन में ज्यादा रेड या हाई कलर स्टेन पे ना जा करके आप केवल गालास पे फोकस करें, गालास आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। गालास का क्या है कि एक तो ये सेल्फ पोलिनेटर है, सेकेंडली क्या ये रेगुलर रेगुलर क्रॉप बेयरिंग फ्रूट है आपका, इसका जो चिलिंग आवर्स जो है चिलिंग रिक्वायरमेंट है इसे कोई लेना देना नहीं है। गालास को जो है आपका हार्डली आपको 300 से 400 घंटे की रिक्वायरमेंट रहती है, जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है सर वो 300 से 400 घंटे की रहती है। दूसरा जो आपका हाई कलर स्ट्रेन है, आप उसमें चाहे जेरोमाइन ले लो, एडम ले लो, किंग रॉड ले लो, कोई सा भी ले लो, उसको जो चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती है वो 800 से 900 हावर्स की चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी तो लगभग मिल सकता है, लेकिन इनकेस फ्यूचर में क्या है जिस तरह से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हो सकता है वो रिक्वायरमेंट जो है चिलिंग आवर्स की वो ना पूरा हो, तो फिर आपका फ्रूट बीरिंग फ्रूट जो है आपका प्लांट जो है रेगुलर फ्रूट बीरिंग पे नहीं रहेगा, तो इस पे आपको लॉसेस काफी लॉसेस उठाना पड़ सकता है। और रही बात रॉयल की, तो रॉयल जैसा यही मैं एरिया जो बता रहा हूँ आपका जो स्नोबॉन्ड वाला एरिया आता है वो उसका फिर कंसेप्ट अलग चलता है, वहाँ का फार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो अलग चलेगा। जहाँ आपका वर्म एरिया है जैसे मैं जिक्र कर रहा था आपका छोटा कम्बा बड़ा कम्बा या हमारा चगांव वाला एरिया भी काफी वर्म क्लाइमेट में आता है, तो इस एरिया में आपने क्या करना है 8000 से नीचे रॉयल को लगाना ही नहीं है, 8000 से नीचे आप रॉयल भूल जाइए, क्योंकि जो रॉयल का जो चिलिंग रिक्वायरमेंट रहता है बहुत हाई है, 1200 से लेकर 1600 घंटे तक की चिलिंग रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये डेफिनेटली जिस हिसाब से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आने वाले टाइम में तो बहुत मुश्किल होगा रॉयल पे आपको फार्म करना, 8000 से ऊपर आपका जो रॉयल है, जो रॉयल रॉयल का जो ऑर्चर्ड 8000 से ऊपर है जो पहले के लगे उसको डिस्ट्रॉय ना करे, उसको
उस पर ज्यादा प्रैक्टिस ना करें, उसको चलने दे, खासकर आपका जो प्लांट है वो चलने दे, उसका अभी जो कलर का जो कलरफुल वराइटीज है उनका डिमांड अच्छी है, तो इसको चलने दे। बाकी जो न्यू जो करेंगे 8,000 से, तो आपको क्या है कि 8,000 पे आपको ज्यादा वराइटीज पे नहीं जाना है। आपने एक आपका मेमा से, दूसरा अर्ली रेड, ये दो ही वराइटीज पे आपने फोकस करना है। ये फोकस आपका चलेगा 7500 से लेकर के 8500 की हाइट तक, इस बीच में आपने इस पे ज्यादा फोकस करना है। और साथ में एज ए पोलिनेटर यूज करना है आपने एक आजकल न्यू गाला आया हुआ है ये अपना, ये क्या नाम कहते हैं, फैन प्लस गाला, वो भी मेरे ख्याल से 8,000 तक चलेगा, 8,000 से ऊपर वो भी नहीं चलेगा। 8,000 से ऊपर आप अगर कोई पोलिनेट देना चाह रहे हो, पोलिनेटर वराइटीज लगाना चाह रहे हो, तो आप उस पे ये अपना चैलेंजर, ग्रैनी स्मिथ चैलेंजर, या फिर फ्यूजी करके जो है, फ्यूजी आएगा, फ्यूजी का भी बहुत अच्छा फ्यूजी का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है वो। अगर आप वर्ल्ड वाइज अक्रॉस द वर्ल्ड आप देखेंगे तो आपका जो फ्यूजी है वो नंबर 1 पे आ रहा है, और नंबर 2 पे आपका गाला आ रहा है, और नंबर 3 पे आपका ये अपना ये जो खट्टे ये जो ग्रीन एप्पल्स है, जो लाइक कि आपका चैलेंजर हो गया या ग्रेनी स्मिथ हो गया, ये नंबर 3 पे। बाकी जो सेब है वो तो यहाँ से नीचे है। और आपका जो रही रॉयल की बात, तो सर ये तो अब यही हमारे हिमाचल या जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान ही कह सकता हूँ, यहीं पे है। बाकी पूरी दुनिया में आप स्टडी करिए, आप कहीं भी देख लीजिए, रॉयल का जो है वो रहा नहीं है। एक्चुअली रॉयल जो आपका यूएसए में जो था, सन था सॉरी 1950 से 60 के दशक में ही खत्म हो गया है। तो ये जो रॉयल है लगभग इसको 150 150 से ज्यादा का 150 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है रॉयल को इस दुनिया में आए हुए। तो इसका जो थोड़ा इसके के ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा, रॉयल का ऐसा मतलब क्या मतलब वो पीछे इसका कैसा बैकग्राउंड रहा है। तो सर ये जो रॉयल जो स्टार्टिंग हुआ था ये 1870 में हुआ था, ये आपका यूएसए में दो स्टार ब्रदर्स थे, तो उन्होंने जो कुछ वराइटीज थी उनकी अपनी लोकल वराइटीज, तो उसको म्यूटेशन के जरिए उन्होंने थोड़ा सा उसको म्यूटेशन के जरिए उसको चेंजेस ला करके उसका नाम रखा था उन्होंने, जो स्टार ब्रदर्स थे, स्टार किंग डिलीशियस के नाम से रखा था। तो ये 1870 के बाद जो स्टार किंग डिलीशियस था वो कुछ टाइम चलता रहा, और बाद में जो आपका जो वाशिंगटन जो रिसर्च सेंटर है, वाशिंगटन स्टेट जो रिसर्च सेंटर है, उसने थोड़ा सा और म्यूटेशन कर दिया। आपका जो स्टार किंग डिलीशियस था उसको थोड़ा सा और ये जो म्यूटेशन करके उसको जो है थोड़ा सा म्यूटेशन करके थोड़ी चेंजेस ला करके इसका नाम रख दिया रॉयल डिलीशियस। तो ये वहां पे ये इसकी फार्मिंग यूएसए में होता रहा 1950 से 60 के दशक तक। तो उसके बाद अचानक उन्होंने इसको इससे शिफ्ट ये यहाँ से शिफ्ट हो गया हाई कलर स्टैम्प पे, जैसे आपका उस टाइम सुपर चीप होता था आपका ये जो ऑर्गन होता था, या फिर वाशिंगटन डिलीशियस करके होता है, ये वराइटियाँ ट्रेंड करती थी उस दौर में, तो उस पे था। तो आज के अगर डेट में देखा जाए तो ये चीजें भी यूएसए ने ये चीजें भी छोड़ रखा है। अब वो जैसे आपका कॉस्मिक क्रिप्स, हनी क्रिप्स, या फिर आपका ये जो गालास है, इन वराइटियों पे ये जो न्यू वराइटी, इनको एक तरह से ये क्लब वराइटीज कहा जाता है, क्लब वराइटीज, तो इन्होंने स्विचिंग किया है क्लब वराइटीज के ऊपर। तो अब ये क्लब वराइटीज के ऊपर फोकस करते हैं सिर्फ आप, जो आपका ये जो रॉयल तो 1950 साल के दशक में खत्म है वहां पे, तो वहां जो रेड डिलीशियस था वो भी अब 2% है, और वो फोकस करते इंडियन, हमारा जो एशियन मार्केट है इसको फोकस करके ग्रो करते, जो 2% जो ग्रो हो रहा है आपका वहां पे, चाहे वो सुपर चीप है, वाशिंगटन है, चाहे जो जो भी रेड डिलीशियस, जो हाई कलर रेड डिलीशियस है, वो इंडियन मार्केट सॉरी एशियन मार्केट को फोकस करके ग्रो कर रहे हैं, जो 2% ग्रो है, तो वो यहाँ के लिए है। बाकी वहाँ चाहे आप यूरोप देख लो, चाहे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया देख लो, कहीं भी मतलब इन वराइटियों का अब टाइम निकल चुका है। यहाँ थोड़ा अभी हम काफी लेट लेट चल रहे हैं, तो यहाँ मैं कह तो नहीं सकता हूँ कि कब तक चलना है, मगर ये है कि अभी फिलहाल जो रेड डिलीशियस है ये काफी अच्छा चल रहा है, इसका जी एक मार्केट में सवाल अच्छी आया हुआ डिमांड है, है। हाँ जी, हाँ जी, सवाल आया हुआ है एक, हाँ जी, युला युला में जेरोमायन आ सकता है, ये युला के हुक्म नेगी जी। युला भी स्नो बाउंड एरिया में आता है सर। युला का जो बैक पोजिशन है ये स्नो बाउंड में आता है, तो इसका
जहाँ स्नो बॉन्ड होता है वहां क्या दिक्कत आती है कि दिन का टेम्परेचर तो वहाँ राइज अप, वैसे यूला जैसे एरिया में तो डे टेम्परेचर भी राइज अप नहीं करेगा क्योंकि वो थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, तो जहाँ ह्यूमिडिटी रहता है वहाँ टेम्परेचर राइज अप नहीं करता। जैसे आपका मिडल किन्नौर हो गया या अपर किन्नौर हो गया, वहाँ क्या है कि आपका सैंडी सोयल है, तो सैंडी सोयल वहाँ आपका डे टाइम में काफी राइज अप करता है और रातों को एकदम ठंडी पड़ती है। लेकिन यूला वाला एरिया में मेरे ख्याल से डे टाइम का टेम्परेचर भी लो रहेगा, रात को तो वैसे भी लो रहना है। तो वहां पे यारोमन, अगर आप इनका अगर लोअर एलिवेशन है, ये रखो कि आप 6500 से नीचे का एलिवेशन है इनके पास, तो यारोमन कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जो आजकल जो ट्रेंड कर रहा है, मेरे हिसाब से किंग रॉड बेटर रहेगा। वो थोड़ा आपका ये जो यारोमन है, एक्चुअली इसको रिकमेंड किया जाता है 5500 हाइट तक रिकमेंड किया जाता है, आपका जो किंग रोड है वो 7500 तक चल पड़ता है। तो इनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 7500 तक के हाइट तक आप किंग रोड ट्राई कर सकते हैं, मैडम बाकी जी बेटर आपके है पास आप। कोई सवाल है? जी मैडम जी हाँ आपके जी, पास कोई सवाल है? मेरा हाँ एक सवाल है। हाँ जी, जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि जो नए वैरायटीज हैं वो सारे क्या रूट स्टॉक पे ही अच्छे वो होंगे या सीडलिंग्स पे भी अच्छे बन सकते हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं कि सारे रूस्टॉक पे ही अच्छा परफॉर्म करेगा, या सीलिंग पे भी, आपका सीलिंग रूस पे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिसेस पे, आप किस तरह से खाद देते हो, कैसी आपका प्रूनिंग प्रैक्टिसेस है, ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस कैसे, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज ये है कि आपका रूस्टॉक और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है, आप सीलिंग पे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, रूस्टॉक और सीडलिंग में जो फर्क है क्या है कि आपका जो रूस्टॉक है, रूस्टॉक में आपने अगर रूस्टॉक पे आपने ऑर्चरिंग करना है, तो रूस्टॉक में क्या है कि रूस्टॉक का प्लांट आपको बनाना पड़ता है, लेकिन जो उसपे जो क्वालिटी है, फ्रूट क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप बन जाती है। तो जो सीडलिंग रही सीडलिंग की बात, वो एकदम इसके अपोजिट में चला जाता है, सीडलिंग का प्लांट अपने आप बन जाता है, लेकिन आपको फ्रूट क्वालिटी बनाने के लिए थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। जी जी मैडम जी, और कुछ आपके जहन में आ रहा हो तो पूछिए। अच्छा, आपके लिए एक सवाल और आया है। गाला में, राधा कृष्ण जी कहते हैं कि गाला में कौन सी वैरायटी मार्केट में ज्यादा डिमांड है, सर, डिमांडिंग है? नहीं, गालास में सभी गालास की अच्छी डिमांड है। अगर आप गाला को अगर मार्केट में सेल आउट के लिए जाओगे, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका ये कौन सी वैरायटी है या कौन सा गाला है, बस खाली आपको अपने बॉक्स पे गाला मेंशन करना होता है, आपको प्रॉपर उसका डार्क बेरोन मेमा गाला या फिर फैन प्लस गाला करके मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खाली गाला मेंशन करना है, और गाला जैसे ही आपका मेंशन कर दे तो वो उसका सारे जो जितने भी गालास है सबका एक समान रेट मिलेगा। डिपेंड करेगा कि वो आपका गालास का साइज कैसा है, कलर कैसा है, ये चीजें आपका काउंट करेगा। और गालास का जो सबसे अच्छा मार्केट है वो इस टाइम राजस्थान में मुहाना टर्मिनल मार्केट करके राजस्थान में है, जयपुर में ही है ये टर्मिनल मार्केट, तो वहाँ इसका बहुत अच्छा, मतलब रेट वहाँ बहुत अच्छा है, सबसे हाई रेट वहाँ पे मिलता है। लास्ट ईयर भी जैसा आपका ये जो अपने मेरे वो फ्रेंड्स है फेसबुक फ्रेंड पे, विशाल बेटा जी, तो उनका जो डार्क बेरोन रहा है वो लगभग 2200 रुपया का हाफ बॉक्स गया है सर। तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं गालास का जो डिमांड है वो बहुत जबरदस्त है, आने वाले टाइम में भी ये ऐसा ही डिमांड बना रहेगा। जी ये हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अजीत नेगी जी, पिछली बार हमारे एपिसोड में आए थे, हाँ प्राकृतिक जी, हाँ जी, खेती करते हैं। इन्होंने कहा कि नाइस टू सी यू महेश चारस जी, व्हाट अबाउट योर वॉलनट प्लांट? सर मैंने कुछ वॉलनट्स भी मैंने इम्पोर्ट किया, मैंने यहाँ कश्मीर में मेरा एक फ्रेंड है कश्मीर का, ये अपना जो डोडा वाला एरिया है, जम्मू डोडा वाला एरिया, वहाँ पे सुनील नाम के मेरे फ्रेंड है, तो वहाँ से मैंने कुछ प्लांट्स लाया था। तो एक्चुअली वो जो मैंने प्लांट्स लाया था वो मैंने अजीत सर वो जो मैं प्लांट्स लाया था वो एक्चुअली सारा वो मेरा नहीं था, वो कुछ औरों का भी डिमांड था, तो मैंने जो है वो सभी बागवानों को थोड़ा थोड़ा करके बांटा था, तो अब उनका कैसा चल रहा है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर जो मेरे पास है, मेरे पास 3 या 4 ही प्लांट्स रह गए, बाकी सारा मैंने
वो बांट दिया है गांव में जो फार्मर जिनकी भी डिमांड थी, तो अच्छा चल रहा है और गवर्नेंस का बहुत अच्छा ये फ्यूचर है जी मैडम जी, जी। आवाज आ रही है आपको? चलिए मैडम जी जुड़ेंगे। तो सर आपके लिए एक सवाल है कि आसरंग में कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं? ये ओम प्रकाश नेगी जी शायद आसरंग से कह रहे हैं। सर आश्रम तो बहुत हाइट पे है, वहां तो आपको रॉयल पे ही रहना पड़ेगा। जी तो ओम आश्रम प्रकाश क्या नेगी आपका? हाँ जी जी हाँ जी जी बोलिए जी, सर। ये जो आश्रम वाला एरिया सर, ये आश्रम की बात नहीं, आपका लिप्पा, ये जो आपका ये जो रिकॉम्पियो से ऊपर का जो बेल्ट है, ये सारा का सारा जो बेल्ट है रॉयल का, जो अभी भी अच्छा क्वालिटी बन रहा है इस पे, आपका कलर में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और फ्रूट शाइन बहुत अच्छा है, तो इनको ज्यादा मतलब न्यू वैरायटीज पे ज्यादा शिफ्ट होने के अभी इनको है नहीं है, शायद इनका टाइम आ सकता है। वो अभी फिलहाल अभी तो देखते हुए अभी इनका जो है इनको रॉयल पे ही फार्मिंग करना चाहिए जी। जी मैडम जी, आपको आवाज आ रही है तो हमारे अतिथि महोदय से आप सवाल पूछ सकते हो। मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ, आजकल जो थोड़ा हाइट में लोग हैपके को प्रेफर कर रहे हैं, तो हैपके किस तरह का वैरायटी है? थोड़ा क्या वो हाइट के लिए साइज भी देगा और कलर भी आएगा हैपके? हैपके आपका मैम, ये आपका जो हैपके है ये 7500 हाइट से ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं, ये आप 7500 से लेकर ऐसे बता तो 10-10 हज़ार फिर तक बता रहे, पर अभी इसका सैंपल 10 हज़ार पे, तो सैंपल क्या, इसका प्लांट भी किसी ने ग्रो नहीं किया है 10 हज़ार, तो ये एक्चुअली ये लगा है 9 हज़ार के आसपास लगा है, तो ये आपका बाकी ये आप इसको जो फ्रूट शाइन है, फ्रूट साइज है, ये सेम आपका जो प्लान वाला है सेम वैसा है, लेकिन प्लान प्लान वाला में क्या दिक्कत रहता है कि आपका 10% जो फ्रूट है वो कलरलेस रह जाता है, उसमें हरा रह जाता है तो इसके बदले आप हैपके अगर लगाओगे तो हैपके में क्या है कि आपका 100 to 100+ आप 100 to 100 कलर आ जाएगा, 100% कलर आ जाएगा, और कोई भी जो सेब का कोई भी दाना जो है ग्रीनिश नहीं रहेगा या कलरलेस नहीं रहेगा। और रही बात तो हाइट की, तो ये आप इसको 85 या सॉरी 7500 से लेकर के आप 9 हज़ार तक आप ट्राई कर सकते हैं जी। ठीक है, एक धन्यवाद। सवाल उसके बाद आया मेरा है अगला जी। जी मैडम जी, एक सवाल पूछते हैं सर, रूट स्टॉक कौन सा लगाया जाए 8,000 हाइट में? विनोद नेगी जी। रूस्टोक आपका काउंट हाइट पे नहीं करेगा, वैरायटी काउंट करेगा आपका रूस्टोक पे, और जी, दूसरा आपका ट्रेनिंग सिस्टम पे जो है वो भी आपका आठ बहुत हजार डिपेंड हाइट में करेगा बता दीजिए सर, 8,000 हाइट में रूट स्टॉक में कौन सी वैरायटी इनको ये कह सर। रहे मैं हैं? वही मैं आपसे कह रहा हूँ 8 हज़ार, आप रूस्टोक आप जो है आप जैसा मैं कहता हूँ 111, आप 111 को 8 हज़ार पे भी ग्रो कर सकते हैं, आप उसी जो MM 111 है उसको आप 10 हज़ार पे भी कर सकते हैं। ताबो जैसे एरिया में, जो ताबो में जो केवी के फार्म है, जो ऑर्चर्ड है, वहां पे लगभग मेरे ख्याल से 10,500 फीट की हाइट पे, तो वहां पे MM 111 जो रूस्टोक है वहां पे लगा है तो अच्छा से परफॉर्म कर रहा है, तो ये आपका जो है रूस्टोक आपका चाहे 10 हज़ार हो चाहे वो 4 हज़ार से स्टार्ट करो, ये कहीं भी लग जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके इस जो रूस्टोक है इसके ऊपर कल्टीवार कौन सा यूज करे, आप इसके ऊपर कौन सी वैरायटी लगा रहे हो वो डिपेंड करता है, और दूसरा आपका ट्रेनिंग सिस्टम, ये आपका डिपेंड करेगा कि आप उसको हाई डेंसिटी में कर रहे हैं या डेंस कर रहे हैं, या फिर आप जो पहले जो हमारा ट्रेडिशनल है 10-10, 12 या 18-18 फीट उस पे कर रहे, वो आपका डिपेंड करता है। आपने जितना हाइट पे जाना है तो आपको क्या है कि आपको डेंस जो प्लांटेशन का जो डेंस है वो कम करना पड़ेगा, सर मेरा और जो एक प्लांट क्वेश्चन है, जब रूट स्टॉक जी और सीडलिंग में प्लांट ग्रोथ किस में ज्यादा अच्छा नजर आता है, रूट स्टॉक में या सीडलिंग में? क्योंकि सीडलिंग में तो रूट्स अच्छे से न्यूट्रिएंट ले पाते होंगे, तो हाँ थोड़ा जी हाँ ये जी, बताएंगे आप? सीडलिंग में आपका रूस्टॉक में जो है प्रैक्टिसेस बिल्कुल अलग है, सीडलिंग की तरह अगर आप उसको
फार्मिंग सीडलिंग की तरह आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो वो आपका दिक्कत करेगा, बहुत दिक्कत करेगा। आपका जो खासकर इसका जो ग्रोथ है, इसका रूस्टों का, वो बहुत स्लो रहता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपका रूस्टों का प्लांट बनाने में टफ है, लेकिन फ्रूट क्वालिटी इजिली बन जाता है। आपका सीडलिंग का प्लांट बन जाता है, लेकिन उस सीडलिंग पे आपको फ्रूट क्वालिटी बनाने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिसेस आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये है कि आपका जो ग्रोथ है वो फर्क रहेगा, आपका सीडलिंग और इसमें फर्क रहेगा। इसमें आपको टाइम टाइम पे आपको जो रूस्टोक है उस पर आपको टाइम टाइम पे आपको टाइम टू टाइम आपको फर्टिगेशन और एरिगेशन जो है टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। आप थोड़ा भी आप केयरलेस हो गए तो आपका ग्रोथ इस पर चेक हो जाएगा, और रूस्टोक का एक बार ग्रोथ चेक हो जाता है तो फिर उसको अपरूट करके आपको फेंकना ही पड़ता है, क्योंकि वो दोबारा आप जो मर्जी कर लो वो ग्रोथ पे नहीं लेगा। जबकि सीडलिंग ऐसा नहीं, सीडलिंग बीच में 1-2 साल अगर ग्रोथ रुक भी गया, दोबारा आप अच्छे प्रैक्टिसेस करोगे तो फिर वो दोबारा रन आउट ग्रोथ ले लेता है वो। जी एक सवाल आया सर, नाथपा में जेरोमैन आ सकता है क्या? नाथपा गांव में, नाथपा हाँ जी, में आ दो है सकते हैं। सर, एक तो अब एक कंडा भी आया सर, साग कंडा, और एक इनका गांव। ये अब ये समझ नहीं आया कि नाथपा में कौन सा नाथ। ये जो जी नाथपा गांव में अगर ये करना चाह रहे हैं, गांव से नीचे अगर करना चाह रहे हैं, तो इस एलिवेशन पे आपका जेरोमैन, किंगरॉट सभी आ जाएगा, बहुत अच्छे से आएंगे। पर मैं इनको यही कह रहा हूँ कि आप गालास पे फोकस कीजिए, ये आपका जी बहुत गर्म एरिया है तो इसमें चिलिंग आवर्स का थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो आप गालास पे फोकस कीजिए, आपका गाला कोई भी वरायटी लीजिए जो आज के डेट में ट्रेंड कर रहा है, वो आपका डार्क बैरोन गाला और मेमा गाला, ये दो गाला बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो आप न्यूली गा जो अच्छे गाला से, जो नई नई वैरायटी से गाला में, वो आप उस पे आप फार्मिंग कीजिए, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगी इसमें। जी 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 मैडम जी, आप कोई और आपके पास सवाल है तो पूछ लीजिए। सर से मैं पूछना चाहूंगी, जो रूट स्टॉक के लिए आप जो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, क्या वो जो गोबर डालते हैं वही सफिशियंट, या इसके अलावा कुछ और भी देते हैं आप सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स? कैसे उनको और क्या क्या लगाते हैं ताकि ग्रोथ, गोबर मैम, इसमें गोबर सफिशियंट नहीं है। के अलावा और क्या? आप जी खाली गोबर दे रहे हो और आप सोचो कि मैंने फर्टिगेशन का जो काम है वो मैंने कर लिया, तो गोबर तो आपका ये सफिशियंट नहीं है। इसके लिए आपको गोबर के अलावा इसका एक टाइम, एक साइकिल चलता है जिसमें, जैसा आपका जैसे हम सर्दियों का टाइम से विंटर सीजन से ही लेके चलते हैं, तो जैसा आपका रूस्टोक है, रूस्टोक में क्या कि इसके शेलो रूट्स बहुत ज्यादा है, इसमें डीप रूट्स होते नहीं, शैलो रूट्स होते हैं, जो इसको हम कॉमन लैंग्वेज में आप इसको फीडर रूट्स भी कहते हैं। फीडर रूट्स जो आपका न्यूट्रिएंट्स अपटेक करता है वो फीडर रूट्स है, तो इसमें जो शैलो रूट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या है कि इसमें आपको तो आप इसको इसमें क्या है कि आपको जो है जैसा एक बार ना देख, सॉरी, हेलो सर, हेलो, आवाज आ आइए रही आवाज। सर? जी तो जी ये एक बार ना देकर के आपने इसको सप्लिट डेज में, डोज में देना है, तोड़ तोड़ कर देना है। तो जैसा विंटर सीजन में आप क्या करोगे, आप गोबर दे दो, और आप साथ में इसमें आप SSP दे सकते हो, फास्फोरस जो होता है वो आप दे सकते हो। फास्फोरस का क्या है कि ये रूट्स डेवलप के लिए बहुत अच्छा, रूट डेवलप में ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो सर्दियों को इसको देना, क्योंकि इसको सर्दियों को देने का मतलब ये है कि स्लो लीच होता है, ये बहुत एकदम से डिजोल्व नहीं होता है आपका सॉइल में, स्लोली डिजोल्व होगा, ये लीचिंग बहुत स्लोली होता है। तो इसको आपने सर्दियों को देना, ये आपका मान के चलो कि आपने मार्च तक का जो महीना है आपका, वहां तक आपने फॉस्फोरस देना है। तो मार्च के बाद आपने क्या करना है, फिर आपने थोड़ा जो NPK बेस जो होता है आपका, फिर नाइट्रोजन हुआ और आपका पोटाश, पोटाश अभी भी आप नहीं दोगे, अगर आपने दे आपने अगर फ्रूटिंग फ्रूटिंग अगर लेना है तो आप NPK को साथ में चला सकते हो। अगर आपका फ्रूटिंग पे नहीं है आपका प्लांट, आप अभी छोटे प्लांट है, तो आपने पोटाश को मार्च में भी नहीं देना। आपने मार्च के बाद क्या करना है, आपने फिर एक बीच बीच में जो आपका ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को बीच में स्प्लिट जोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के देना है। नाइट्रोजन एक ऐसा फर्टिलाइजर है ये जो बहुत ज्यादा लीच होता है, और ये एयर में वेपोरेट भी बहुत ज्यादा करेगा। आप इसको आज डाल दिया तो ये होना चाहिए कि आपका 3 या 4 दिन के अंदर आपका रूट जो है वो अपटेक करना चाहिए, और 3 या 4 दिन से के बाद वो अगर आपके सॉइल में पड़ा रहा
तो ये बिल्कुल भी प्लांट्स को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये या तो बारिश का पानी या फिर आपका जो फर्टिगेशन का जो ड्रिप लाइन का जो पानी रहता है उससे या तो वो लीच आउट हो जाएगा, बहुत गहरा चला जाएगा, या फिर ये वेपोरेट हो जाएगा, आपका हवा में वेपोरेट हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट में देना है, तोड़ तोड़ कर देना है आपने, मतलब आपने एक वो टाइम बनाना है कि आपका जैसा M9 रूट स्टॉक है, तो आपने जो हफ्ता है, हफ्ते में 3 दिन में एक जो आपका टेबल स्पून आता है उसमें मेरे ख्याल से 5 या 10 ग्राम, 10 ग्राम के आसपास उसका जो क्वांटिटी आता है फर्टिलाइजर वो 10 ग्राम के आता है, तो वो 10 ग्राम ही देते रहना है। तो ये आपने महीने में, सॉरी हफ्ते में 2 बार देना है, 3 3 दिन छोड़ के। और साथ में आपने इसमें जो आपका ये जो गोबर कह रहे, गोबर आपने बीच में अगर है आपके पास, जो चाहे वो काउ डंग है या चिकन मैनुअर है या फिर और चीजें भी, या आपने देना, इसका क्या है कि ये आपका ये जो कार्बन लेवल है इसको मेंटेन रखता है। अगर कार्बन लेवल एक बार आपका बिगड़ गया तो फिर आपका प्लांट जो है न्यूट्रिशन अपटेक नहीं कर पाएगा। कार्बन लेवल आपका बनना कैसे, कार्बन लेवल एक्चुअली यहाँ बिगड़ता क्यों है, क्योंकि आप जो नाइट्रोजन जो दे रहे हैं ये काफी बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, तो इसमें एसिडिक होता है, तो आपको क्या है कि बीच बीच में आपको सॉइल टेस्ट भी करते रहना है। तो इसमें आपका सिर्फ इसका जो आइडियल जो pH होता है, जो इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कहते हैं pH, जो वैल्यू है आइडियल pH वैल्यू जो है आपका 6 पॉइंट से लेकर के 7.5 के बीच में रहना चाहिए। अगर आपका 6.5 से अगर ये स्लाइड करता है नीचे को, डाउन साइड को स्लाइडली करता है, तो दैट मीन्स कि आपका वो एसिडिक हो रहा है, या फिर ये स्लाइड करता है अप साइड को, 7.5 से अप साइड को ये स्लाइड करता है, दैट मीन्स कि आपका वो अल्कालाइन है। तो अल्कालाइन के केस में आप क्या करोगे कि इसमें आपको जिप्सम जिप्सम लगाना, ये ऐसे आपने ऐसे नहीं देना, पहले आपने सॉइल टेस्ट करना है, अगर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक आपका अल्कालाइन है तो आपने उसमें जिप्सम देना है। अगर आपका बताता है कि एसिडिक है, 6.5 से नीचे चला गया आपका pH वैल्यू, तो फिर आपने वहां पे चूना देना है, जो डिहाइड्रेट जो होता है आपका लाइम वो देना है आपने पर प्लांट को, वो बीच में आपने देते रहना है। अगर ये आप नहीं अगर आप ये केमिकल पे नहीं करना चाहते, आप इसको ऑर्गेनिकली करना चाहते, तो फिर आपका सबसे बढ़िया यही है कि आप जो है इसमें वेस्ट डिकम्पोजर, और इसके साथ एक ह्यूमस के लिए, एक मैं प्रोग्राम के लास्ट में बताऊंगा ये चीज, ये जो एक ह्यूमस एसिड जो तैयार करना है आपने, जो ऑर्गेनिक बेस पे जो तैयार करना है, वो मैं प्रोग्राम के एंड एंड में बताऊंगा। अभी थोड़ा और टॉपिक्स पे भी मुझे जाना है, जैसा आपका और भी कई तरह के डिजीज है जो आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस पर बात करेंगे थोड़ा। तो ये आपने इस तरह से काम करना है, तो मैं थोड़ा डिजीज के ऊपर बात करना चाहूंगा राम प्रकाश जी, सॉरी राम जी मुखर्जी जी जी। जी 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 तो डिजीज में ऐसा सर, जो आजकल जो टाइम पीरियड चल रहा है जो, तो अपर या जो अपर वाला रीजन है आपका, ये आपका चाहे वो कल्पा वाला एरिया है या अक्पा आसरंग लिप्पा है, हो गया फिर पूह वाला ब्लॉक हो गया, तो वहां तो मेरे ख्याल से अभी पिंग बर्ड तो दूर की बात है, वहां मेरे ख्याल से ग्रीन टिप भी मुश्किल से आ रहा होगा। तो ये जो हमारा लोअर है यहाँ पे अब शुरू हो चुका कुछ है, चार एरियाज, हाँ जी कुछ कुछ एरियाज में जो है बेंच में, आपका, चार बेंच में शुरू हो चुका है सर, हाँ नीचे जी हाँ बेंच जी में कुछ शुरू। एरियाज में ये आपका टाइट क्लस्टर पे, और मैक्सिमम एरियाज में जो है पिंक बर्ड का स्टेज आ गया है। तो जैसा कल और आज का जो वेदर रहा है, इसमें काफी बारिश हुई, तो इससे क्या हुआ कि आपका मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर मेंटेन हो गया है आपके ऑर्चर फ्लोर में, तो आपका जो स्कैब है, स्कैब ने ये 2 3 सालों से काफी परेशान कर रखा है, तो मैं स्कैब के ऊपर पहले बात करूंगा। स्कैब जो आपका स्कैब है, तो ये आपका ये इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है वो अब बन रहा है, ये लगभग आप ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे बन रही है। अभी तो स्कैब आपका एक्सपोज नहीं होगा, ये आपका एक्सपोज होना है ये फरवरी में, क्योंकि एक्चुअली जो आपका ये जो स्कैब है, स्कैब के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है 18 से 22, 18 से 22 का टेम्परेचर है, और ऊपर से आपका ह्यूमिडिटी बनी हुई है, या फिर आपका ऑर्चर्ड फ्लोर बिल्कुल गीला है, नमी है, तो वहां पे आपका एकदम रैपिडली जो है वो ब्रॉट ब्रॉट कर जाएगा, वो बहुत तेजी से वो फैल जाता है। तो आपने क्या करना है कि अभी जो जिन बागवान भाई जिन बागीचों में अभी ग्रीन टिप चल रहा है, वहां पे सबसे अच्छा ये है कि आपने लाइम प्लस आपने सल्फर का स्प्रे करना है,
लाइम सल्फर का जो बड़ ब्रस्ट होता है आपका हरा कली जो आने वाला होता है वहां पे आपने लाइम्स और इसका करना है। अगर ये नहीं आप कर पाते तो डोरिंग करना है आपने ग्रीन टिप पे। अगर आपका ग्रीन टिप का टाइम भी निकल गया तो आजकल एक स्कार्डिस करके स्कार्डिस स्कार्डिस कुछ इस तरह करके दवाई आया, उसमें क्या है कि आपका वो आपका आपका पाउडरी मिल्ड्यू प्लस आपका स्कैब दोनों को वो कंट्रोल कर लेगा करता है। लेकिन इसका टाइम पीरियड चलेगा आपका ये जो पेटल फॉल से थोड़ा पहले पहले, अभी मान लो आपका पेटल फॉल से थोड़ा अभी पहले का सॉरी पिंक बर्ड का से थोड़ा पहले का टाइम चल रहा है तो आप यहाँ पे स्कार्डिस करके जो दवा है वो आप स्कैब के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्कैब को भी रोकेगा और आपका पॉडी मिल्ड्यू को भी रोकेगा। ये आपका एक ड्रम जो 200 लीटर का जो बैरल रहता है उसमें आपने 60 ml स्कार्डिस को मिलाना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते आपका लगभग पिंक बर्ड निकल पे आ गया है तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन आता है। आपने अब इसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ से आगे तो डेफिनेटली टेम्परेचर राइज होना है, तो टेम्परेचर राइज होना है तो आपका ये जो स्कैब है ये ब्रॉडली बहुत जल्दी से फैलना शुरू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 12 12 दिन का गैप दे करके कॉम्बी प्रोडक्ट्स यूज करना है, जैसे आपका टेबुकनाजोल प्लस आपका कंटाफ हो कैप्टान हो गया, या आपका फिर हेक्सिकोनाजोल प्लस जिनेब हो गया, या इस तरह के जो कॉम्बी प्रोडक्ट्स है आपका मैनकोजेब प्लस मैरीबोन भी मिक्स मिक्स कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा दवाई है। तो इनको मिक्स करके ये आप कर सकते हैं। लेकिन एक केस यहाँ पे ये है, लास्ट ईयर भी काफी कंप्लेन आया था, एप्पल ग्रोवर्स काफी मुश्किल में फंस गए। यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने जो एचएमओ का स्प्रे था वो जो समर वाला टाइम रहता है मही वाला टाइम वहां पे एचएमओ किया, तो जब आप एचएमओ कर रहे हो तो डोरिन आपने नहीं लगाना है। डोरिन के लिए क्या करना है, आपने कम से कम एचएमओ आपने अगर कर दिया तो कम से कम 22 से 25 दिन का गैप देना है। अगर आपने 22 से 25 दिन का गैप नहीं दिया आपने एचएमओ वाले जो ऑर्चर्ड में जिस ऑर्चर्ड में आपने एचएमओ के स्प्रे किए वहां आपने जल्दी से आपने ये आपका डोरिन करते हो तो फिर ये आपका क्या है कि ये कई बार पत्ते पीले हो जाए पीले हो करके ये ड्रॉप हो जाता है, ये मतलब अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर देगा आपका ये जो डोरिन है। डोरिन को दो केस में आपने बिल्कुल यूज नहीं करना, एक आपने अगर एचएमओ का स्प्रे किया हो तो आपको थोड़ा गैप देना पड़ेगा कम से कम 22 से 25 दिन का, और सेकेंडली आपका जो ज्यादा टेम्परेचर राइज करता है या फिर आपका ऑर्चर्ड में ज्यादा नमी है, जैसे जून के महीने में टेम्परेचर राइज करता है और ऑर्चर्ड में ऑर्चर्ड फ्लोर पे भी बहुत ज्यादा आपका वीटनेस रहता है नमी रहता है, तो उस केस में भी आपने डोरियन को बिल्कुल यूज नहीं करना है। वहां पे आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, आप मैरीबोन प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन बनाइए उसको आप स्प्रे कर सकते हैं स्कैब के लिए। तो ये चीजें है, इन पे आपने ध्यान देना है। तो दूसरा आपको दिक्कत आएगा अभी तो जैसे आपका पेटल फॉल आएगा, पेटल फॉल पे जो है आपका साइज का फिर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि साइज के लिए मुझे हमें क्या करना है। साइज एक्चुअली जो रिकमेंड कर रही है कंपनी, जो चाहे कोई भी कंपनी है या जो रिकमेंड करती है कि आप जो सिल्वर टिप से 15 दिन 15 डेज पहले आप जो है चाहे वो कैल्शियम नाइट्रेट है या चाहे एनपीके वो आप अपने सॉइल में ब्रॉडकास्ट कीजिए उसको लगाइए, तो ये गलत बताते हैं। आपका जो जो 15 डेज पहले जो आप लगा रहे हो ये आपका सेटिंग वो बताते कि सेटिंग पे हेल्प है, ये सेटिंग पे हेल्प नहीं है, ये एक्चुअली ये जो आपका फ्रूट साइज है फ्रूट साइज के लिए हेल्प है। आपका सेटिंग तो डिपेंड करता है जो लास्ट ईयर का जो न्यूट्रिशन आपके बार्स में होगा या लिम्स पे होगा या फिर आपका जो बर्ड फ्रूटिंग बर्ड्स होते हैं उसमें जो स्टोर है लास्ट ये का न्यूट्रिएंट्स वो आपका इस बार सेटिंग पे काम करता है, और जो इस बार आप मार्च में दे रहे हो वो आपका डिपेंड करता है आपका उस पे क्या नाम साइज के लिए। तो साइज के लिए भी आपका वही है कैल्शियम नाइट्रेट आप लगाना है बार बार आपको बीच बीच में तोड़ तोड़ के लगाना, ये आपको लगाना पड़ेगा ब्लूम के आफ्टर। ये रखो कि आपको ब्लूम मीन्स कि यहाँ मेरा फुल जो फ्लोरिंग होता है फ्लोरिंग फ्लोरिंग से लगभग आपको 45 दिन तक इसको चलाते रखना है, थोड़ा थोड़ा करके देते रखना है, और आपने फोलियर भी देना। फोलियर में आपने क्या करना है कि आपका जो सेनीफॉस करके आता है 11 वालों का उसमें फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आपका साइज इंक्रीज के लिए बहुत हेल्पफुल है, और साथ में आपने कैल्शियम देना। और कैल्शियम के साथ जब आप कैल्शियम दे रहे हो तो आपने ध्यान देना कि कैल्शियम को मोबिलिटी के लिए इसको कैरी ऑन करने के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए
बोरॉन की बहुत आवश्यकता होती है। अगर बोरॉन आपने यहाँ पे मिक्स नहीं किया तो फिर आपका रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप रिजल्ट चाह रहे होते हैं, वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, आपने इसमें मिक्स करना है आपने बोरॉन, तो आपने ये आपने चलाते रहना इसको, आफ्टर वॉलनट तक आपने चलाते रहना है। फिर वॉलनट और एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे आप कॉम्बी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हो, आजकल इसमें बहुत से कॉम्बी आते हैं, जैसे उसमें जिंक भी है, उसमें बोरॉन भी है, कैल्शियम भी है, तो फिर इसमें आपका फॉस्फोरस भी है, तो कईयों में नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन पे आपने ध्यान देना है कि वो फर्स्ट जो आपने पी साइज पे जो करेंगे, मटर दाने पे जो आप करेंगे साइज के लिए, वहां पे आपने नाइट्रोजन का डोज देना है बाइपोलर। उसके बाद आपने नाइट्रोजन बिल्कुल स्टॉप करना है, क्योंकि वो बाद में आपका वो आपका कलर को एम्पायर करेगा, कलर की दिक्कत आएगा, या फिर एक्सेस आपका नाइट्रोजन है तो फिर इसमें कॉट सपोर्ट करके एक बीमारी आता है, या फिर आपका एक्सेस नाइट्रोजन, फिर आपका जो पेपरी बार्क जो एक कैंकर आता है पेपरी बार्क, वो भी आपका इसी एक्सेस नाइट्रोजन से ही आता है वो भी। तो इसको आपने यहाँ पे स्टॉप करना है और यहाँ से चैनलाइज करते जाना है आपने कैल्शियम, आपका ये बोरॉन, फास्फोरस भी एक ही देना है आपने, पी साइज पे ही देना है फास्फोरस, नाइट्रोजन पी साइज पे, आपका फॉस्फोरस पी साइज। उसके बाद ये दोनों चीजें स्टॉप, और यहाँ से आगे आपने कैल्शियम को देते रहना है आपने वॉलनट तक। वॉलनट के बाद आपने फिर क्या करना है कि आपने फिर वहां से आगे उसके बाद टर्न आपकी बारी आता है पोटाश का, तो वहां से आगे आपने पोटाश का आप चाहे वो फोलियर दे, तो बेटर तो रहेगा कि आपका फ्रूट हार्वेस्ट से आप 45 दिन 45 डेज पहले आप सॉइल में 400 ग्राम आप चाहे वो SSP लगा सॉरी चाहे वो SOP लगाओ या वो फिर आपका MOP लगाओ वो आपका, या फिर आपका एक क्रिस्टा के आता है 13045 के नाम से, वो SOP कहलाएगा, सल्फेट ऑफ पोटाश, वो लगाना है सल्फेट ऑफ पोटाश, या फिर एक और आता है आपका सल्फेट ऑफ पोटाश। सबसे बेटर है कि आपका सल्फेट ऑफ पोटाश वो सबसे बेटर है। अगर आपको सल्फेट ऑफ पोटाश नहीं मिलता है तो आपको पोटाशियम नाइट्रेट देना है, जो SOP के नाम से सॉरी क्रिस्टा के नाम से भी आता है यारा वालों का, तो वो आपने देना है। तो इस तरह से आपने मतलब फर्टिगेशन पे सॉरी आपका जो साइज के लिए और कलर के लिए इस तरह से आपने एक बैलेंस करके देना है, और इसको बीच बीच में करके देना है। तो जैसे ही आपका हार्वेस्ट का पीरियड आने वाला होगा तो उससे आपने 20 दिन पहले क्या करना है, या 20 से 25 दिन पहले आपने कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करनी है, इससे आपका फ्रूट का शेल्फ लाइफ आपका बढ़ेगा और आपका ये जो आपका जो शाइन है वो भी आपका इससे काफी शाइन भी आपका काफी इम्प्रूव होगा इससे। जी सर, एक चीज और है, क्या जैसे साइज के बारे में बताया कि आपने तो न्यूट्रिशन बताया, एक चीज और, साइज का कोई ऐसा स्प्रे भी है जो हम स्प्रे लगा के साइज भी तैयार कर सकते हो? नहीं, इमीडिएटली सप्रे से आपका कोई भी ऐसा दवाई नहीं आपको ऐसा कोई मिलेगा जो इमीडिएटली आपका साइज को इम्प्रूव करेगा। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पी साइज से मटर दाने से ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कैल्शियम कैल्शियम क्या है कि ये आपका सेल डिवीजन में मदद करता है, ये आपका जो कोशिकाएं जो होते हैं कोशिकाओं का ये जो विभाजन होना है वो बाद कोशिकाओं का विभाजन ये तभी होना है जब आपने कैल्शियम दे दिया। कैल्शियम आपका कोशिकाओं का जितना आप कैल्शियम दोगे उतना आपका सेल डिवीजन उतना ये जो है अच्छे से होगा, और जितने अच्छे से आपका सेल डिवीजन होगा तो उतने अच्छा आपका बाद में इसका जो साइज है वो उतना अच्छा इम्प्रूव करेगा। जी बेहतरीन, आपके लिए थोड़ी सी यहाँ प्रतिक्रिया की है, जोक्स टाइप का ही है कि सर थोड़ा आराम से बोले, हमारे सुनील मुखिया जी बोले कि शायद पेन कलम लेके बैठे होंगे तो वो लिख रहे भी होंगे, तो कह रहे हैं कि थोड़ा आराम से बोले, मतलब स्पीड ज्यादा हो रही है। चलिए, आपके लिए एक और सवाल आया है पंकु डेरान जी का, आते जी आजकल कौन सा खाद सही होता है, और सेब तोड़ान के बाद भी? अभी वही है आपका सेटिंग सॉरी ये अपना जो है साइज के लिए ही लेके चलना है। अब आपका जो सेटिंग होना है वो तो लास्ट ईयर का जो न्यूट्रिशन था उस पर सेटिंग होना है, अब आपका आपने चलना है साइज के लिए। अभी आपने कलर को भी नहीं सोचना, कलर का बारी आएगा आपका जुलाई से आपका कलर का जो कलर के लिए जो सोचना है वो आपने जुलाई से सोचना है, मतलब आपका हार्वेस्ट से तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले सोचना है कलर के लिए। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है साइज इंक्रीज के लिए, साइज कैसा इंप्रूव करना है। तो साइज के लिए आपने वही है आपका जो जिन बागवानों ने अगर NPK दिया हो लास्ट ईयर या फिर अभी
हाल ही में या 2-4 दिनों में या इसी महीने में अगर एनपीके दिया है तो उनको क्या करना है, आपको सिर्फ कैल्शियम बेसिस पे फर्टिगेशन देना है। इसमें जैसा आपका 11 लीवा है तो उसमें 11 लीवा में आपका कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, बोरॉन भी है, तो वो आपने देना है। और जिन्होंने अगर पीछे आपने हाल में कोई एनपीके नहीं दिया है तो फिर उनको 11 मिला और 11 लीवा दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना करके वो आपने सॉइल पे ब्रॉडकास्ट करना है आपने। जी कि आपके लिए एक सवाल आ रहा है, आजकल नकली पोटाश आ रहा है, ये कह रहे सुरेंद्र नेगी दामे जी, तो वो घुल नहीं रहा है, तो इसका सही पहचान क्या होगा? और ये, हाँ ये अभी पीछे काफी चर्चे में रहा है। ये जो एक्चुअली ये जो जो गवर्नमेंट का जो सप्लाई है, इनका जो सप्लाई है इफको इफको नाम की कंपनी है, तो इनका इफको से है और इफको के प्रोडक्ट्स में जो कंप्लेन है बहुत ज्यादा आ रही है। ये जो एमओपी है म्यूटेड और पोटाश है, इसमें ये अभी जो कोठाई के जो अपने कोठाई के जो ग्रोवर्स है, जो वहाँ के जो प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है, उन्होंने भी मुझे बताया कि अभी जो इस बार का जो खेप आया, जो नया खेप आया हुआ है, जो सप्लाई, जो नया सप्लाई जो अभी हाल ही में जो सप्लाई आई, इसमें जो एमओपी आई इसमें बहुत ज्यादा कंप्लेन है। तो बाद में इसको जो आइडेंटिफाई करना है कि कैसे ये ओरिजिनल है, तो इसको अब मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है, पर बताते कि इसको जो है आप तावा लेना है, तावा के ऊपर इसको गर्म करना है, गर्म करना है, और ये चटक जाता है तो डेट मीन कि ये आपका डुप्लीकेट है। अगर चटकता नहीं, ये श्रिंक करेगा, ये आपका जैसा सिलिकॉन टाइप के जो प्लास्टिक टाइप के होते हैं ना, वैसे ही ये अगर श्रिंक करता है तो ये कहते हैं कि ओरिजिनल वाला जो होता है वो श्रिंक करेगा, और जो डुप्लीकेट है वो चटक जाएगा, वो ऐसे उसमें क्रैक्स आ जाएगा या वो बिल्कुल चटक ही जाएगा, वो पीस पीस हो जाएगा, तो वो आपका डुप्लीकेट है। आप तावे पे उसको गर्म करके देखना, एक एक मेथड ये, बाकी और भी मेथड्स हो सकते हैं इसको करने का। बाकी सॉयल जो टेस्ट लेबोरेटरीज है वहां पे आप अगर इसको चेक करेंगे तो वहां आपको अच्छे से पता लग सकता है, वहां क्लियर हो जाएगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। जी जी मैडम जी, आपका कोई सवाल रहा हो तो जरूर बताएं। हाँ जी, जस्ट सर से पूछना था, सॉइल टेस्टिंग कहाँ से करवाना चाहिए, सॉयल टेस्टिंग आसपास आप सॉइल टेस्टिंग कोई? अभी तो किन्नौर में तो मेरे ख्याल से जो उद्यान विभाग वालों का है वही है मेरे ख्याल से, बाकी तो यहाँ है नहीं है। मेरे ख्याल से कहीं सुनाई पड़ रहा था कि मुरंग में है कोई ग्रुप फार्मिंग करते हैं, वो ऑर्गेनिक ग्रुप पे करते हैं, शायद वहाँ हो, मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ। बाकी आपका ये जो है आपका चुआबाग में भी मिल जाएगा, ये एक नया लैब वहाँ खुला है, उनका रिपोर्ट कैसा ही है मैं नहीं कह सकता हूँ, पर वहां भी है। बाकी आपको ठियोग, आपका ठियोग हो गया, नारकंडा आप जैसे क्रॉस करेंगे तो आपको जगह जगह पे आपको सॉइल लैब टेस्ट आपको मिल जाएगा, या आप अगर अपने एरिया में खोलना चाहे तो फिर मैं इसका आपको लिंक्स या आपको हेल्प करूंगा, मैं कहाँ से किस तरह से ट्रेनिंग लेना है और कैसे इसका सेटअप आपने बिठाना है, जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सारा कंपनी आपको दे देगी। वो हम जो है आप हमारे किन्नौर में भी इसका ये जो लैब टेस्ट का जो लेबोरेटरी है वो हम सेटअप कर सकते हैं, इसमें आपका ये ज्यादा खर्चा भी नहीं है ये, वो कि आपका मैक्सिमम 70 से 80 हजार का इसका खर्चा आएगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। जी दूसरा, जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है, ये आपने अपने एक्सपीरियंस से वो सीखा है, या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी इसमें मतलब हेल्प करती है, वहां से भी हम हेल्प ले सकते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सा न्यूट्रिएंट देना चाहिए? ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी क्या हेल्प मिलता है? हेल्प आपका हॉर्टिकल्चर से भी हेल्प मिल जाएगा, लेकिन बेटर है आप जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, जितने भी प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स है, आप उनसे राय मशवरा ले, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। और तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे पास जो M9 है वो एक इतना सेंसिटिव प्लांट होता है, वो आपका मान लो आपने आज फर्टिगेशन दे दिया, ठीक है, और आपने वो ओवरडोज दे दिया, तो वो आपका तीसरे दिन ही वो उस पे सेंटम, वो जो प्लांट है वो उसका सेंटम बताएगा आपको, आपने नाइट्रोजन दे दिया तो वो 3rd डे को आपको जो नाइट्रोजन एक्सेस हो गया तो तीसरे दिन वो बता लेता है कि वो उसका जो लीव्स है वो थोड़े से यलिश कलर में आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे पोटाश का जो सॉरी फॉस्फोरस का अगर डोज अगर आपने ज्यादा दिया तो वो
4 to 5 days में पताएगा, उसका जो कलर है वो थोड़ा बैंगनी टाइप का हो जाता है। तो इस तरह से जो मतलब करने से आपको वैसे सीख मिल जाएगा। बाकी हॉर्टिकल्चर वाले भी आपको हेल्प कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं उनसे भी आप कि किस तरह से इसका जो कौन सी टाइम पीरियड पे कौन सा फर्टिकेशन करना है, कौन सी टाइम पे क्या मात्रा देना है, कैसा कैसा, ये सारी चीजें वो भी बता सकते हैं। और दूसरा, जब भी आप कुछ देते हैं पौधों में तो पानी भी मतलब तैयार रखते होंगे कि मतलब उसके बाद मुझे पानी भी देना, इरिगेशन भी होना चाहिए। तो किस तरह से आप इरिगेट करते हैं, क्या कूल से या पाइप से या ड्रिप इरिगेशन का कोई सिस्टम वो किया है? नहीं मैम, ड्रिप नहीं है, मैं स्प्रिंगलर का यूज कर रहा हूँ। ये जो मेरा इरिगेशन सिस्टम है वो मेरा स्प्रिंगलर, पहले तो हमारा जो इरिगेशन सिस्टम था वो फलड़ी था, तो अब इतना पानी रहा नहीं है, हमारे यहाँ पे पानी का एक्चुअली काफी दिक्कत है, तो हम लोग स्प्रिंगलर से ही ये जो इरिगेशन है वो हम स्प्रिंगलर से कर रहे हैं। तो एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे, आपका जो स्प्रिंगलर से जो करना है तो आपने तौलिया बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा आपको, जो आपका सॉयल है उसको सॉयल की टिलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपने सॉयल को एज ए जैसा है वैसा ही रहने देना। आपका सॉयल अगर आप टिलिंग करते हो, उसकी खुदाई करते हो, तो इससे आपके बहुत लॉसेस हो गए। इससे होगा क्या कि आपका जब आप सॉयल को आप तौलिया करते हो तो इसका जो सॉयल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेकआउट हो जाते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो जो पेड़ के नीचे जो कैनोपी है, जो आपका कैनोपी वाला एरिया रहता है, तो प्लांट्स का कैनोपी एरिया, तो उसके नीचे जो एरिया है वहां पे अगर उसमें जो है आपका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें, जैसा केचुआ आपका मूव कर रहा है तो वहां पे आपका छोटे छोटे छिद्र बने होंगे जो ड्रेनेज, जिसको आप ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे, तो वो ब्लॉक होगा, तो वो आपका ब्लॉक होगा, आप फर्टिगेशन करेंगे, आप ये इसके थ्रू आपका ये जो आप बता रहे हो फ्लड फर्टिगेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो आपका टॉप सॉयल है वो बह के चला जाएगा, और टॉप सॉयल में ही आपका फर्टाइल सॉयल होता है, जो आपकी उपजाऊ मिट्टी है वो बह के आपका जो प्लांट वाला कैनोपी है उस कैनोपी से बाहर चला जाएगा। तो आप कोई भी लगा लो, आप उसमें चाहे पोटाश लगाओ, जैसा मर्जी आप फर्टिगेशन दे दो, वो आपका काम नहीं करेगा, प्लांट आपका अपटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो सॉयल है सॉयल में आपका 25% आपका इसमें वाटर होना चाहिए, और 25% ही इसमें एयर एयर होना चाहिए, एयर का होना भी बहुत जरूरी है, और एयर वाटर ये चीजें तभी आपका सॉयल में रहेगा, आप अगर उसको उससे ज्यादा छेड़खानी नहीं करते, आप उसको अनटिल छोड़ देते, बिना खुदाई के छोड़ देते हैं, और बेस्ट है आप उस पर मल्चिंग कीजिए, मल्चिंग से आपका जो है ये जो छोटे छोटे जो कीट है वो बहुत ज्यादा पनपते हैं, आपका अर्थवर्म अर्थवर्म बहुत ज्यादा मूव करेगा आपका, तो इससे आपका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका कोई भी आप फर्टिगेशन करेंगे, चाहे वो इरिगेशन करो फर्टिगेशन, वो इजिली वो अपटेक करता है, और आपका मॉइस्चर भी रिटेन करेगा, आपका जो सॉयल है वो रिटेन करेगा, वो आपका मॉइस्चर को पकड़ के रखेगा, वो छोड़ेगा नहीं, उसको वेपरेट नहीं होने वेपरेट होने नहीं देगा ये एयर में। और एक चीज और है इसमें, जैसा आपने मैंने कहा कि इसमें आपने ये जो आपने मल्चिंग करना, मल्चिंग बहुत बड़ी चीज है, बहुत जरूरी है। कुछ लोग इसको क्या है एकदम क्राउन के साथ में करते, तने के साथ में मल्चिंग करते, वो नहीं करना है, वो आपने वो मल्चिंग आपका डिपेंड करता है आपका कैनोपी के साइज पे, आपका जितना वाइड कैनोपी है आपने उतना ही बाहर मल्चिंग करना है। ये रखो कि आपका अगर कैनोपी 3 मीटर तक जा रहा है तो आपने अंदर का 1.5 फीट का जो सरफेस, जो ट्रंक वाला एरिया है, जो आपका क्राउन वाला जो सरफेस है 3 1.5 फीट का, वो छोड़ना है, उसके बाहर सरफेस पे आपने मल्चिंग करना है। मल्चिंग में आपने ध्यान रखना है जितना आपका हो सकता है आपने लीव्स की मल्चिंग करनी है, जो पत्तेदार होता है, चाहे वो आपका जो चुल्ली बेमी का पत्ते हो या जिस मर्जी, चाहे आपका सेब के ही पत्ते, पत्तों का करना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जो जंगल में मिलता है हमारा चीर, और ये है तो बढ़िया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये आपका बाद में सॉइल को अल्कालाइन करता है, ये मैंने कहीं पे रिसर्च किया था, ये आपका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है आपका यहाँ पे यूएसए में, तो वहां का जो रिपोर्ट बताता है, तो ये बताता है कि आपने अल्का आप अगर ज्यादा आप ये जो चीड़िया आपका देवदार का जो रहता है, जितने भी सुईदार जो पत्ते होते हैं, नोकदार जो पत्ते होते हैं, इसका आप मल्चिंग करोगे तो ये आपका सॉयल को डिस्टर्ब करेगा, ये अल्कालाइन पे ले जाएगा, तो फिर वही आपको फिर
बहुत से फिर प्रैक्टिसेस करना पड़ेगा वापस उसको पीएच मेंटेन करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जी सर एक सवाल आया है विनोद जी की, सर रूट स्टॉक में 106 एमएम, 106 और एमएम 111 और एमएम 793 में से कौन सा सही रहेगा? एमएम 100 जो 106 है वो किन्नौर के लिए, खासकर ये जो अपर किन्नौर है, 106 के लिए क्या चाहिए आपको, वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए, ऐसा मिट्टी नहीं चाहिए जहाँ पे जमीन पे आपका ये जो पानी जो रहता है ना वो आपका ठहरना नहीं चाहिए, वो लॉगिंग नहीं होना चाहिए, वो ड्रेनेज होना चाहिए। तो आपका रूस्टॉक के उस पे देखा जाए तो जो आपका किन्नौर वाला जो मिडल किन्नौर अपर है वो बहुत अच्छा है, वहाँ का जो मिट्टी है वो सैंडी है और वहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता पूरा ड्रेनेज हो जाता है, तो वहाँ 106 बहुत बेटर रहेगा। और जहाँ बरसात वाला जगह है वहाँ पे 106 ना लगाए, क्योंकि इसमें जो कॉलर रोड के जो क्राउन रोड का समस्या है, कॉलर रोड भी कहते हैं क्राउन रोड भी कहते हैं, तो इसकी दिक्कत बहुत ज्यादा है। तो दूसरा बात है 793, ये आपका वहाँ सक्सेस है, आपका ये जो रिप्लांटेशन साइट होता है जहाँ पुराने बगीचे आपके हैं 40 40 45 50 साल के जो पेड़ है, वहाँ आप रिफिलिंग के लिए आप प्लांटेशन रूस्टॉक पे करना चाहते तो वहाँ आपका ये अच्छे से चलेगा। लेकिन मेरा अब ये एक और सजेशन है कि अगर अब आप रिप्लांटेशन की तरफ जाना चाह रहे हो तो थोड़ा वेट कीजिए, साल 2 साल और रुकिए, क्योंकि जो अब नेक्स्ट जो जो न्यू जनरेशन का जो रूस्टॉक आ रहा है वो जिनेवा करके आ रहा है, और इसमें आपका एक या दो रूस्टॉक मिलेंगे, जो एक तो मेरे ख्याल से जिनेवा 222 है, वो आपका रिप्लांटेशन को मतलब वो आ, 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 वो नहीं कर मतलब प्रेफर नहीं करूंगा उसका, क्योंकि वो उसमें इतना चलेगा नहीं। बाकी इसके अलावा जितने भी आपका जिनेवा में वो रिप्लांटेशन के लिए ही बन रहे हैं, और इस बार मेरा थोड़ा जो लैंड प्रिपरेशन था वो कंप्लीट नहीं था, तो नेक्स्ट ईयर में जो बुक कर रखा हूँ, तो इसमें आपका जिनेवा आपका 935 है और जिनेवा आपका 890। अब ये चीजें भी आपको जानना बहुत जरूरी है, जिनेवा 890 मैंने इसलिए चूज किया है, ये थोड़ा आपका प्लांट का जो साइज है वो बिग्रस रहता है, सॉरी ये बिग्रस तो नहीं रहेगा, ये सेमी बिग्रस रहेगा, मीन्स कि ये आपका 3 से 4 4 क्रेट आपका सेब देने लायक बनेगा, और जो 93 या फिर एमएम जिनेवा 202 है ये फिर आपका M9 के कंपैरिजन में रहे सिमिलर रहेगा, एज ए फ्रूट बियरिंग देखो, एज ए उसको प्लांट ग्रोथ देखो, वो सिमिलर रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये रिप्लांट साइड पे भी ये बहुत अच्छा से चलता है, तो ये चीजें आपने पहले स्टडी करना है, आपने जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना, पहले स्टडी करना है हर चीज को, पहले स्टडी करना है तब जाके आपने सोचना है कि मुझे क्या करना है, और तब जी आपने स्टेप लेना कि जो आपको आपको सही लगता है वो स्टेप आपने लेना। जी मैडम जी, कोई आपका सवाल रहा तो फिर हम एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद इस एपिसोड को खत्म करेंगे। जब भी कोई भी बगीचा तैयार करना हो तो सबसे पहले क्या मतलब वो करना चाहिए, सबसे पहले क्या हाइट देखना चाहिए कि आपका मतलब खेत कहाँ है, कौन सी हाइट पे है, उस हिसाब से वैरायटी सिलेक्ट करना है। वैरायटी आपका सेलेक्ट होगा आपका एलिवेशन के हिसाब से, आपके हाइट जो कल्टीवेशन साइड का जो हाइट है आपका उस एलिवेशन के हिसाब से आपका वैरायटी सेलेक्ट होगा। लेकिन आपने जो शुरुआत करना है तो आपने क्या करना है कि जो पिट्स वगैरह जो खोदते हैं, गड्ढा जो आप खोदेंगे वो आपने मतलब काफी कम से कम उसको सन पेनिट्रेशन के लिए कम से कम आपने 2 महीने का टाइम तो देना ही है, इससे आपका 2 महीने लाइट गई, लाइट चलिए कोई लाइट चले गए। बात तो नहीं। चलिए बोलिए सर, अंतिम ही एपिसोड है, आप आवाज तो आ रही है। तो सर वैसे डिटेल में जाऊंगा तो बहुत कुछ है कहने के लिए, तो अब प्रोग्राम भी अब एंड होने के टाइम पे आया है, तो मैं वो जो ह्यूमिक एसिड के लिए जो मैं बता रहा था ना सर, तो जी जी इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स है वो अपना पेन कॉपी लेके तैयार हो जाए, अगर जी वो जी जी इसको आप जो मार्केट से आप जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स लाते वो आपका बहुत महंगा पड़ेगा, और ये जो मैं आपको मेथड बताऊंगा ह्यूमिक एसिड तैयार करने का ये ऑर्गेनिक बेस पे है, और ये बहुत अच्छा इसके अच्छे इसके रिजल्ट्स है।
तो इसके लिए जितने क्या भी करना है? दर्शक है, हाँ जी, जितने भी दर्शक है, अभी ये अंतिम एपिसोड है, अभी जो भी लास्ट एपिसोड में जो बताया जा रहा है उसके लिए पेन और कॉपी ले लें, और जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसको बखूबी से लिख कर जो है उसको अपने बागवानी में, अपनी खेती में आप भी उपयोग कीजिए। तो जी सर कहिए महोदय। सर, हमने जो ह्यूमिक एसिड तैयार करना है, ह्यूमिक एसिड क्यों तैयार करना है? आज के डेट में क्या आप अब यहाँ से आगे क्या करोगे कि आप जो है हाई डेंसिटी पे चले जाएंगे, रूस्टॉक पे चले जाएंगे, तो आपको जो है आपको टाइम टू टाइम जो है फर्टिगेशन करना पड़ेगा, फर्टिगेशन करना पड़ेगा, तो इससे आपका सॉइल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। तो इसमें क्या है, आप या तो फिर वही जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जिप्सम, अगर आप हल्का लाइन है तो जिप्सम यूज करना है, अगर एसिडिक है तो डिहाइड्रेट लाइम लाइम यूज करना है। अगर ये नहीं करना है तो आपका सबसे बेस्ट है कि आप ह्यूमिक, आपका कार्बन, जो आपका कार्बन कंटेंट होता है वो सफिशियंट रहना चाहिए, 1.8। अगर आपका 1.8 आपका कार्बन का मात्रा, 1.8 तक कार्बन का मात्रा है, तो फिर आपको कोई भी आप फर्टिगेशन कीजिए, चाहे आप वो केमिकल कर लीजिए, ऑर्गेनिक कीजिए, वो प्लांट आपका अपटेक करेगा ही करेगा। तो आपका जो कार्बन का जो कंटेंट है वो कार्बन का मात्रा बनाएगा, आपका ह्यूमस बनाएगा। जब आपका ह्यूमस है तो तभी आपका कार्बन मेंटेन रहेगा। तो ह्यूमस के लिए आपको क्या रहता है कि आपको ह्यूमिक एसिड जो है आपको सॉइल में देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 किलो चावल लेना है, 2 किलो चावल लेना है, उसको आपने जैसे आप खाने के लिए पकाते हो वैसे ही पकाना है उसको। 2 किलो जी चावल लेना है, उसको जैसे हम खाने के लिए पकाते वैसे ही पकाना है, मतलब खाने लायक पकाना है। तो उसके बाद उसको आपने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद क्या करना है कि उसको कोई मिट्टी का बर्तन लेना है, उसको आपने कोई भी धातु का कोई बर्तन नहीं लेना है, ना ही आपने प्लास्टिक का बर्तन लेना है, आपने मिट्टी का जो गड्ढा होता है वो लेना है, और उसमें आपने उसको ठंडा होने के बाद उसमें आपने उसको उसको डालना है, और उसको छाव में रखना है, ठंडी जगह पे ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। तो इसको ठंडी जगह में आपने जो है इसको फर्मेंट के लिए रखना है। तो ये आपका टाइम जो है टाइम कितने ये, हाँ जी, दिन रखना है? तो ये आपका जो फर्मेंट होना है, ये आपका ये रखो कि ये आपका ह्यूमस पे आपका डिपेंड करता है, जहाँ आपका जो नमी वाला है वहाँ 5 से 6 दिन में तैयार हो जाएगा, और जहाँ पे आपका थोड़ा ड्राई है वहाँ 10 से 12 दिन का टाइम लेगा। और इसको तैयार कैसे हुआ, इसको जानने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसका जो ढक्कन है उसको दीजिए, उससे जो है खट्टा सा स्मेल आएगा। तो जब ये स्मेल आपका छोड़ने लगेगा तो समझ लेना कि आपने ये तैयार हो गया। तो इसको आपने फिर निकालना है, निकालने के बाद आपने 50 लीटर पानी लेना है, तो उसको जो चावल है उसको अच्छी तरह से उसको ओ, जो उसको मैश जो क्रश करना है, उसको अच्छी तरह से क्रश करने के बाद उसको फिर आपने छानना है। छानने के बाद अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं, आपने जो 50 लीटर का जो सॉल्यूशन बनाया इसमें आप पर प्लांट आपने 4 से 5 लीटर पर प्लांट आपने ड्रेंच करना है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हो, आप ज्यादा, अगर आपने ये जो आपने ज्यादा और इफेक्टिव, ज्यादा मतलब प्रभावशाली बनाना है, तो आपने वेस्ट डिकम्पोजन का जो गोल तैयार करना है। तो ये जो आप पानी जो यूज कर रहे हो, पानी की जगह आपने वेस्ट डिकम्पोजर जो आपका पहले फर्मेंट हुआ होना चाहिए, वो पहले ही रेडी होना चाहिए आपका, तो उसमें आपने वेस्ट डिकम्पोजर में आपने यूज करना है, मिक्स करना है, और उसको मिक्स करने के बाद फिर वही रेशो आपने रखना है, 50 लीटर आपका जो है वेस्ट डिकम्पोजर है, तो आपने वो जो 2 किलो जो चावल चावल जो आपने फर्मेंट किया है उसको मिक्स करके फिर उसको छान के उसको आपने चाहे ड्रिप के थ्रू या चाहे आप ऐसे भी ड्रेंच कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे कि आप 10 से 12 दिन के अंदर ही आपका जो है पूरा सॉयल ब्लैक, बिल्कुल काला हो जाएगा, काला बिल्कुल ब्लैक सा होना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो आपका जो सिंथेटिक मार्केट से जो भी सिंथेटिक आप फर्टिलाइजर्स जो लेते हैं, चाहे वो ह्यूमिक एसिड ले लो, अमीनो एसिड लोगे, तो आपने कभी टेस्ट करके देखना, आपका उसमें 1 ml में आपका 45,000 बैक्टीरिया होगा, लेकिन आप इसको टेस्ट कराओगे लैब से, जो मैं जो बता रहा हूँ जो हम तैयार कर रहे हैं ह्यूमिक एसिड, तो इसमें इसका दुगना बैक्टीरिया मिलेगा, इसमें 90,000 के करीब मिलेंगे बैक्टीरिया मिलेंगे। अच्छा सर जी एक चीज ये बताएंगे, ये इसको जो रेशो होगा ढालने का, छोटे पौधे और बड़े पौधे में कितना लीटर ढालना होगा? ये आपने अपने हिसाब से, बड़ों में आपने 5 लीटर डालना है, छोटों में आपने 1-1.5 लीटर डालना है। अगर ये ज्यादा भी हो जाता है या कम ज्यादा होता है तो इसका अच्छा कोई नुकसान नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है।
अच्छा एक चीज और ये बताएंगे कि ये कौन से महीने में इसको डाल सकते हैं, किसी भी महीने में बना सकते हैं इस घटक को, कि कभी भी कोई एक खास महीना रहेगा? खास ये कभी भी बना सकते हैं, लेकिन आपका ये क्या है कि आपका टेम्परेचर थोड़ा होना चाहिए ताकि आपका फर्मेंट हो। आप विंटर सीजन पे आप ट्राई मारोगे तो ये हो सकता है ये आपका महीने भर का टाइम ले। तो अच्छा तो यही रहेगा कि आपका जब गर्मियों में थोड़ा टेम्परेचर राइज हो जाता है तो तब ट्राई मारिए, और उस टाइम आपका प्लांट भी जो है मूवमेंट में रहता है, सैप उसका चल रहा होता है, तो आप उस टाइम उसको लगा सकते हैं। दोबारा, यहाँ शायद इन्होंने सुना नहीं है, 50 लीटर में शायद 2 केजी कहा था, तो शायद एक सवाल आया कि 50 लीटर पानी में लगाना, तो कितना चावल लगाना चाहिए? ये पंकु डेलान आप जी कह रहे हैं। चावल आपने आपने 50 लीटर के लिए 2 ही केजी चावल पकाना है, पहले चावल पकाना है उसको, जब पक गया तो फिर उसको फर्मेंट के लिए छोड़ना है, उसको गड्ढे में डालना है, गड्ढे में वो ठंडा हो जाएगा। तो पहले ठंडा करना, ठंडा करके आपने गड्ढे में डालना, गड्ढे में डालने के बाद वो 5 से 7 दिन में वो फर्मेंट हो जाएगा, उससे जो है खट्टा खट्टा स्मेल आ जाएगा। जब उसके खट्टापन बाद आएगा आपने तो उसको, हाँ मैश करके ड्रम में ढालना है हाँ और ड्रिप उसको करना उसके है। बाद उसको अच्छी तरह से मसलना है, उसको मैश करना है, मैश करके फिर उसको मिक्स करना, मिक्स करने के बाद जब आपने यूज करना तो पहले उसको किसी कपड़े से छानना, छानने के बाद आपका जो 50 लीटर का जो वेस्ट, चाहे वेस्ट डिकम्पोजर का गोल है, आप चाहे तो खाली पानी में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, बड़े पेड़ है तो आपने 5 लीटर, और छोटे प्लांट है तो आपने 1 डेढ़ 2 लीटर तक आपने देना सर एक चीज ये जानना भी जरूरी है, क्या ये जड़ के नजदीक से ढालना है कि जड़ से बार बार के है। हाँ आप इसको पूरे तोले, आपका जो तौलिया जितना के आपका अनुसार? कैनोपी, जितना पौधे का जितना कैनोपी बनता है उसमें पूरा फैला के देना है इसको। जी धन्यवाद सर, आज आपने जो है बहुत जानकारी दिया, लेकिन हम आपको समय समय पर बुलाते रहेंगे क्योंकि ये एपिसोड खत्म हुआ नहीं है, ये चलता रहेगा। बीच में कई चीजें समझने को होता आता है और भी कई चीजें हमने समझना भी है, तो लाइट भी चले गई। मैडम जी, जाते जाते कोई आपके अंतिम और कोई सवाल रहा हो तो? मेरा कोई सवाल नहीं है, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी जानकारियां मिली है, तो धन्यवाद इस जी। तरह से, हाँ जी हाँ जी, इस तरह से जानकारियां मिलती रहेगी तो हमारे, हम भी लाभ लेंगे, हमारे जितने भी एमसीएन के दर्शक हैं वो भी लाभ लेते रहेंगे, तो आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ठीक है, ओके मैम, जी गुड महेश नाइट। सर जी, हमारा हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ बहुत सारे दर्शक जुड़े थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो यंग, खासकर जो यंग ब्लड्स है, जो यंग जनरेशन है, वो अपने टाइम जी का सही यूज करे, वो नशे से दूर रहे, टाइम का सही यूज करे। आपका जो बागवानी वाला जो फील्ड है, ये जो एप्पल ऑर्चर्डिंग सेक्टर है, इसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज है। आप थोड़ा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा एक्टिव रहिए, और मजे से बागवानी कीजिए, और अपने जिंदगी के लुत्फ ले लीजिए, जिंदगी जो है उसके लुत्फ लीजिए, और अच्छे एक प्रोग्रेसिव अच्छी तरीके से आप बागवानी कीजिए। सो थैंक यू। सर, थोड़ा सा मैं महेश जी एक चीज बताऊंगा, लुत्फ कहाँ लेना है, इसमें तो बहुत सारे बच्चों से भी ज्यादा केयर करना है। चलिए सर केयर ये तो आपको तो करना जी पड़ेगा, आपको केयर करना पड़ेगा, जी आपको पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम आपको बगीचे पे ही रहना पड़ेगा। आप जितना आप, एक जाते जाते एक सवाल आया है, चलिए उनकी भी पूरा करते हैं क्योंकि बहुत बार इन्होंने लिखा है। सर कॉलर कॉलर रूट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? चलो मैं जाते जाते दो चीजें क्लियर करता हूँ, एक कॉलर कॉलर रूट या रूट रॉड भी कहेंगे आप, कॉलर रूट भी कहेंगे या क्राउन रूट भी कहेंगे, एक ये एक दूसरा जी बॉर्डर, बॉर्डर का बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरे पास, तो मैं पहले बॉर्डर जी के ऊपर बताऊंगा। बॉर्डर आपका, अब मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्टली बताऊंगा। बॉर्डर के लिए आपके लिए क्या है कि एक मेटरिज्म करके दवा आती है, ठीक है, वो आपने यूज करना है, वो बहुत उसका जो वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा है, वो आपने दवा लेना है। और उसको क्या है कि जो तौलिया रहता है आपका, उसके लिए आपका दो चीजें आपका काउंट करेगा, एक तो आपका मॉइस्चर रहना चाहिए, दूसरा टेम्परेचर थोड़ा 18 18 20 से ऊपर ही रहना चाहिए, टेम्परेचर आपका बना रहना चाहिए और आपका मॉइस्चर प्रॉपर रहना चाहिए। तो आपने क्या है कि आपने एक पौधे में 15 से 20 ग्राम जो पाउडर फॉर्म में हो, ये पाउडर फॉर्म में होगा, तो आपने उसको बिखेरना है, बिखेरने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको खोद के उसको ब्रॉड सॉइल में ब्रॉडकास्ट करना है, ब्रॉडकास्ट करने के बाद आपने उसको कसी बगरों से थोड़ा सा खोद के उसको मिट्टी से दबाना है, और उसके बाद आपने ऊपर से मल्च जरूर करना है। तो आप देखेंगे कि आप अगर इसको प्रॉपरली करेंगे, आप देखेंगे कि आपका 90% जो बॉर्डर है वो 1 या 1.5 महीने के अंदर ही वो खत्म हो जाएंगे। अब बात रहते हैं कॉलर रोड, कॉलर रोड के भी कई रीजन्स है, ये एक्चुअली दोबारा महोदय जी, दोबारा दवाई का नाम जरूर बताना, दर्शक लोग ने शायद ये सुना भी नहीं होगा।
ये मेटारिजियम एनिसोपली करके एक दवा आता है, ये है फंगस, फंजीसाइड ही है, फंगस दवा ये है, फंजीसाइड है, पर मारता ये इंसेक्ट को, बॉरर को ही खत्म करता है, एनिसोपली सॉरी मेटारिजियम एनिसोपली करके इसका नाम आता है। जी तो मैं रूट रोट के ऊपर बोलूंगा सर थोड़ा। तो रूट रोट आपका जो है एक्चुअली जो फंगस के वजह से फैलता है, तो इसमें क्या है आपका अगर थोड़ा जैसे आपका थोड़ा ड्राई एरिया है, थोड़ा इतना नहीं है आपका बगीचे में रूट रोट का शिकायत कि एक या दो पेड़ कहीं गलती से आया, तो आपने इजिली इजिली अगर वो करना है, आपने ज्यादा खर्चे में नहीं जाना है, तो आपने नीला थोथा और चूने की ड्रेंच करना है, और ये एक बार करके नहीं रिजल्ट देगा, आपको कम से कम 3 बार आपको इसका ड्रेंच करना है। अगर आपका थोड़ा ज्यादा है तो फिर आपका सोडोमोनास आता है, आपका रिडोमिल आपका प्लस करके आता है, इनका आपने सर, ड्रेंच करना है। एक चीज और, नीला धोता और जो चूना लगाना है वो कितना बनाना पड़ेगा रेशो? ये आपने रेशो आपका ये रखो कि आपने आधा किलो नीला थोथा ले लिया, तो आपने आधा किलो ही चूना लेना है, और ये आपका डिपेंड करता है सर आपने कितना यूज करना है। एक पौधे के लिए तैयार करना है तो आपको ये आपका कम से कम 5 या 10 पौधों के लिए काफी रहेगा, जो आपका जो अगर आधा एक ड्रम किलो में बता, बनाना है तो उसमें कितना नीला धोता लगेगा और कितना उसमें चूना लगेगा तब सर? आपको उसमें 1.5 केजी 1.5 केजी का रेशो लगाना पड़ेगा। 1.5 केजी का। चलिए हाँ जी। तो बाकी अभी है तो बहुत सी है सर, फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश बहुत खुश, बहुत करेंगे दर्शकों के। हाँ जी जी धन्यवाद सर आपके लिए, आपने समय निकाला हमारे किन्नौर के लिए, और मैडम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ धन्यवाद सर, रात्रि धन्यवाद दोनों को, नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद सर। सर, गुड नाइट सर। एमसीएन के जितने भी दर्शक से निवेदन है कि अगर आप इस एपिसोड को देख नहीं पाए तो हम दोबारा इसको पुनः अपलोड करते हैं, यूट्यूब के द्वारा भी इसको अच्छी तरह से आप दोबारा जो है सुन सकते हैं। और ये हमारा जो ये जो मंगलवार का एपिसोड है जो बागवानी पर था, आज के हमारे अतिथि थे रतन महेश जी जो हमारे चगांव से है, साथ में हमारे साथ मंच साझा किया था हमारे मैडम जी रिब्बा से। तो मिलते हैं वीरवार के एपिसोड में गांव शहर और राजनीति, जिसमें हम लेकर चलेंगे कि किन्नौर में जो भी परियोजना आई है उससे हमारे किन्नौर को कितना फायदा या नुकसान हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय किन्नौर, जय हिंद।